हेलो दोस्तों, आज हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 17 लेक्चर आपके सामने ले आए हैं, और जिसमें हमें आज हम एरोमेटिसिटी का भी 6 लेक्चर आज हम आपके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने आपको एरोमेटिसिटी का अप्लीकेशन बताया था, एसिड बेस केमिस्ट्री में कैसे करता है। हमने देख लिया था कौन अच्छा एसिड है, कौन पुअर एसिड है, कौन बेटर बेस है, कौन पुअर बेस है। तो हमने ये दो चीज़ क्लियर कर ली थी। आज हम चल रहे हैं तीन कंसेप्ट को डिस्कस करने, और तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कंसेप्ट ऑफ अनुलीन, अनुलीन क्या होते हैं वो चीज क्लियर करेंगे। होमो एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, और फ्यूज्ड एरोमेटिक रिंग के बारे में आज हम तीन कंसेप्ट, आज इन तीनों को एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है भाइयों, तो आ जाओ। आपको मैंने 3 to 10 मेंबर्ड रिंग की, 3 to 10 मेंबर्ड रिंग की एरोमेटिसिटी की कहानी आपको समझा दी थी। हक्कल रूल के अकॉर्डिंग 3 to 10 मेंबर्ड रिंग की एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होते थे। तो भैया एक चीज और बताई थी मैंने आपको, तो इससे पहले आ जाओ एक एक करके चालू करते हैं, फिर बाद में आपको सब कुछ बातें बताता रहूंगा। तो आज हम पहला जो कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, अनुलीन कंसेप्ट, कंसेप्ट ऑफ अनुलीन। तो आ जाओ भैया, कंसेप्ट ऑफ अनुलीन को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अनुलीन क्या होते हैं? अनुलीन होते हैं, पहले पता तो होना चाहिए भाइयों, अनुलीन क्या होते हैं? अनुलीन वो होते हैं जिनके पास साइक्लिक कंपाउंड होते हैं। अनुलीन क्या होते हैं भाइयों? मोनोसाइक्लिक रिंग होती है, मोनो साइक्लिक रिंग होती है। अनुलीन क्या होते हैं भाइयों? जिनके पास मोनोसाइक्लिक रिंग होते हैं, और उन वो रिंग जिनके पास अल्टरनेट पाई बॉन्ड भी होते हैं, अल्टरनेट पाई बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। तो अनुलीन वो कंपाउंड कहलाएंगे जिनके पास मोनोसाइक्लिक रिंग होगी, सिर्फ सिंगल मोनोसाइक्लिक रिंग होगी, और वो अल्टरनेट पाई बॉन्ड प्रेजेंट होंगे उसके अंदर। तो अगर ऐसा सिस्टम किसी रिंग के अंदर दिखता है, अगर ऐसा सिस्टम किसी रिंग के अंदर दिखता है कि उसे वो मोनोसाइक्लिक है, सिर्फ एक ही साइक्लिक वाली रिंग है, और उसके पास उसके अंदर अल्टरनेट पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, तो वो कंपाउंड क्या कहलाएगा? अनुलीन कहलाएगा। वो कंपाउंड क्या कहलाएगा? अनुलीन कहलाएगा। अब अनुलीन कौन कौन से होते हैं हम देख लेते हैं। तो अनुलीन का जो फर्स्ट मेंबर है उसका नाम है साइक्लोब्यूटाडाइन, साइक्लोब्यूटाडाइन, साइक्लोब्यूटाडाइन। ठीक है, फोर मेंबर्ड रिंग है, और स्क्वेयर पे देखो, दोनों कंसेप्ट को देखना है कि ये दोनों कंडीशन फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा। तो देखो ये फोर मेंबर्ड की साइक्लिक रिंग है, मोनोसाइक्लिक रिंग है, ऑब्वियस सी बात है मोनोसाइक्लिक रिंग है, जिसमें एक ही साइक्लिक रिंग हो वो मोनोसाइक्लिक हो। और दूसरी बात क्या है, अल्टरनेट पाई बॉन्ड होने चाहिए, पाई सिग्मा पाई, एक एक जगह डबल बॉन्ड है, एक जगह नहीं है, एक जगह फिर दोबारा डबल बॉन्ड है, मतलब अल्टरनेट, मतलब एक को छोड़ एक के पास पाई बॉन्ड होने ही चाहिए। तो यहाँ पे अल्टरनेट पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इसको अनुलीन बोल सकते हैं। तो बिल्कुल भाई अनुलीन है। जो सेकेंड मेंबर्ड रिंग आई अनुलीन में वो थी 6 मेंबर्ड रिंग। थर्ड मेंबर्ड रिंग जो आई वो थी 8 मेंबर्ड रिंग, जिसे बोलते हैं हम कोट। क्या बोलते हैं भाई वो इसको? कोट बोलते हैं। कोट क्या होता है? साइक्लो ऑक्टा टेट्रा इन, साइक्लो ऑक्टा टेट्रा इन। तो एक ये है, और आखिरी देख लेते हैं हम, नेक्स्ट जो होगा हमारा अनुलीन वो है 10 मेंबर्ड रिंग। वो क्या है भाइयों? 10 मेंबर्ड रिंग। तो आ जाओ देख लो भाई, वो भाइयों क्या है? 10 मेंबर्ड रिंग है। तो आ जाओ, तो चारों में कंपैरिजन करो, ए बी सी और डी, चेक करो ये क्या सभी के सभी अनुलीन है या नहीं है। तो चेक करना है क्या है, ये मोनोसाइक्लिक रिंग है, सभी मोनोसाइक्लिक रिंग है, और सभी के डबल बॉन्ड जो अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है वो अल्टरनेट पोजीशन पर प्रेजेंट है, ये सभी अनुलीन है। ठीक है भाइयों, ठीक है। तो इनका अनुलीन का भी एक फैमिली नेम है, इनका अनुलीन का भी एक फैमिली नेम है। जैसे इसका, इस कंपाउंड का नाम बेंजीन है, इस कंपाउंड का नाम बेंजीन है, और इसका कंपाउंड का नाम है साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन है। ऐसे ही अनुलीन की फैमिली में जो नाम है इनका, उनका ये 4 मेंबर रिंग है, तो इसको अनुलीन की फैमिली का जो नाम है इसका, जो 4 अनुलीन है, क्या नाम है भाई वो? 4 अनुलीन। अब इसकी जो ये जो मेंबर रिंग है इसका जो नाम है अनुलीन की फैमिली में, ये है 6 अनुलीन, 6 अनुलीन। और ये जो 8 मेंबर की रिंग है उसका नाम है 8 अनुलीन, और जो ये 10 मेंबर की रिंग है इसको बोलते हैं
10 अलुनीन। अब भैया ये 6, 4, 8 और 10 क्या डिनोट कर रहा है? ये जो 4 है, ये 4 डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम। 4 अनुलीन मतलब जो अनुलीन है इसके अंदर 4 कार्बन एटम है या नहीं है, 4 कार्बन एटम है या नहीं है। और एक चीज और डिनोट करता है ये जो आगे लिखा है, एक तो पता चल गया हमें कार्बन एटम को डिनोट कर रहा है, दूसरी क्या बताता है पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कितनी, 4 है तो 4 कार्बन एटम और 4 पाई इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये दो चीज बताता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम और नंबर ऑफ कार्बन एटम, और दूसरी क्या बोलता है जितने पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो वो डिनोट कर देगा। तो 4 एनुलीन में 4 कार्बन एटम प्रेजेंट है और कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है। 6 एनुलीन में 6 कार्बन एटम प्रेजेंट है और 6 पाई इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है। देख लो जैसे यहां 4 पाई इलेक्ट्रॉन थे, 1, 2, 3, 4, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है नहीं, काउंट करना आपको सिखा चुका हूं पिछली वीडियो में। और इसमें देखो 6 एनुलीन में 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, 2, 2, 4, 2, 6। 8 अनुलीन में 8 कार्बन एटम होंगे, 8 पाई इलेक्ट्रॉन भी होंगे। 10 अनुलीन में 10 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे और 10 कार्बन एटम भी प्रेजेंट होंगे। तो भाइयों मैंने आपको 3 टू 10 मेंबर्ड रिंग की एरोमेटिसिटी को डिस्कस करना मैंने आपको बता दिया था, बताया था ना भाइयों हमने 3 टू 10 मेंबर्ड रिंग के लिए एरोमेटिसिटी को जज करना आपको बता दिया था पिछली वीडियो में, एरोमेटिसिटी 03 में, 02 में मैंने आपको 3 टू 10 मेंबर्ड रिंग में के सभी के जजमेंट बता दिया था कैसे हमें जज करना है कि क्या चीज है, एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, ये चीज आपको मैंने सिखा दी थी। आज हम हाइड मेंबर्ड वाले एलिमेंट को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो एक से एक इसको डिस्कस करने से पहले एक चीज याद रखेंगे, कि कोई भी एंटी एरोमेटिक अगर हम 6 से ज्यादा 6 से हायर मेंबर्ड रिंग के ऊपर चढ़ रहे हैं, जैसे 7 मेंबर्ड रिंग में, अगर वो कंपाउंड एंटी एरोमेटिक आता है, आपको बता रखा है ये बात मैंने और पिछली वीडियो में भी ये कंसेप्ट वापस बार बार यूज होता आ रहा है, तो आपको मेरे को यहां से याद रहना चाहिए कि मैंने आपको बताया था कि अगर 6 मेंबर से हायर रिंग पे हम कदम रखते हैं तो वो कंपाउंड अगर एंटी एरोमेटिक बनता है तो उसको हम क्या बोलते थे, नॉन एरोमेटिक। क्यों बोलते थे, क्योंकि वो कंपाउंड अपनी फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज कर चुका है, क्योंकि बड़ा साइज है, फ्लेक्सिबिलिटीज इंक्रीज होने की वजह से अपने अंदर साइक्लिक रेजोनेंस को रोक सकता है, वो कंपाउंड अपने अंदर साइक्लिक रेजोनेंस को रोक सकता है। जैसे ये देखो 7 मेंबर रिंग में देख लेते हैं, इस चीज को समझना जरूरी है क्योंकि नहीं तो फिर आप समझ नहीं पाओगे एंटी एरोमेटिक को नॉन एरोमेटिक क्यों कह दिया हमने, अगर यहां पे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। तो देखो भाइयों ये साइक्लिक है कंपाउंड, कॉन्जुगेटेड है, पाई सिग्मा पॉजिटिव पाई सिग्मा नेगेटिव, तो पूरी रिंग में कॉन्जुगेशन है, प्लेनर भी है, और कितने पाई इलेक्ट्रॉन, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, और 8 पाई इलेक्ट्रॉन आने की वजह से ये कंपाउंड क्या हो सकता है, एंटी एरोमेटिक। ये कंपाउंड क्या हो सकता है, एंटी एरोमेटिक। पर जैसे ही हम 6 मेंबर से 7 मेंबर 6 मेंबर से हायर मेंबर वाले रिंग पे कदम रखते हैं तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये 6 मेंबर से ऊपर वाले कंपाउंड, चाहे 16 हो 18 हो मेंबर रिंग वाले हो, वहां पर एंटी एरोमेटिक कंपाउंड को नॉन एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर देंगे। और एक्सेप्शनल केस आएंगे जिसमें एंटी एरोमेटिक कंपाउंड ही जाता है, वो चीज मैं आपको बताता रहूंगा, पहले अभी आपको ये याद रखना है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, उसके पीछे रीजन है क्योंकि इसका साइज क्या होता है, बड़ा होता है, हायर मेंबर्ड रिंग है, तो इनकी फ्लेक्सिबिलिटीज इंक्रीज हो जाती है, और फ्लेक्सिबिलिटीज इंक्रीज होने की वजह से ये अपनी साइक्लिक रेजोनेंस को रोक सकते हैं, मतलब ये अपना कार्बन नॉन प्लेनर फॉर्म में, मतलब प्लेनरिटी से बाहर ले जाते हैं, और नॉन प्लेनर जब प्लेनरिटी से अपने कार्बन एटम को बाहर ले जाएंगे तो कंपाउंड क्या कहलाएगा, नॉन प्लेनर कहलाएगा। और नॉन प्लेनर कंपाउंड क्या होते हैं भाई, वो नॉन एरोमेटिक होते ही नहीं होते, तो इस चीज का ध्यान रखना है। अब हम अपने अनुलीन के ऊपर चल रहे हैं, हायर मेंबर्ड अनुलीन के, तो हमने देख लिया कि फर्स्ट मेंबर्ड 4 मेंबर्ड रिंग का होता है जिसका नाम होता है 4 अनुलीन, सेकंड मेंबर्ड 6 मेंबर्ड रिंग का होता है, और थर्ड मेंबर जो होता है वो 8 मेंबर्ड रिंग का होता है, और फोर्थ मेंबर जो हमने देखा 10 मेंबर्ड रिंग की
होता है 10 अनुलीन जिसे बोलते हैं। तो ये सारी हमने देख लिए, इन सभी के एरोमेटिसिटी का भी कंसेप्ट हमने सब कुछ सीख लिया है सेकंड लेक्चर में, एरोमेटिसिटी के सेकंड लेक्चर में। तो आज हम हायर मेंबर रैंक के ऊपर चढ़ रहे हैं, तो हम किसका चढ़ रहे हैं, 10 के बाद कौन सा आएगा, 10 के पास कौन सा आएगा। तो आप बोलोगे भैया एक चीज और, आप बोलोगे आपने बोला थ्री में वो फोर मेंबर रिंग है सबसे पहला रिंग, ये क्यों नहीं है, इसके पीछे रीजन है क्यों, ये साइक्लिक तो है, मोनोसाइक्लिक तो है, पर इसके पास अल्टरनेट पाइवोट प्रेजेंट नहीं है, पाई सिग्मा सिग्मा नो अल्टरनेट पाइवोट, इसीलिए ये कंपाउंड एनुलिन नहीं है। तो भाई इसी रीजन से पहला जो जो मेंबर रहा वो फोर एनुलिन रहा, ठीक है। तो अब आ जाते हैं अपने हायर मेंबर के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं, जो है 12 अनुलीन। क्या है भैया 12 अनुलीन, आ जाओ एक एक करके इन सभी को डिस्कस करते हैं। तो 12 अनुलीन कैसे बनता है उस चीज पे आ जाओ। तो 12 अनुलीन देखना भाई, स्ट्रक्चर देखना, स्ट्रक्चर का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है, स्ट्रक्चर का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है, इस चीज को ध्यान में रखना भाई। और अल्टरनेट पोजिशन में पाई बॉन्ड दिखा दो, अल्टरनेट पोजीशन पे पाई बॉन्ड दिखा दो, ये हमारा 12 एनिलीन फॉर्म हो गया। तो चेक कर लो 12 कार्बन एटम है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो देख सकते हैं 12 मेंबर रिंग है, मोनोसाइक्लिक है, मोनोसाइक्लिक है नहीं है, मोनोसाइक्लिक है, मोनोसाइक्लिक है, और इसमें अल्टरनेट पाई बॉन्ड भी प्रेजेंट है, अल्टरनेट पाई बॉन्ड भी है, अल्टरनेट पाई बॉन्ड भी है, और अल्टरनेट पाई बॉन्ड है तो ये कंपाउंड अनुलीन कहलाएगा, और इसका जो फैमिली मेंबर का जो नाम होगा वो क्या कहलाएगा, 12 अनुलीन, 12 अनुलीन, ठीक है भाइयों। और 12 क्या डिनोट करता है, 12 डिनोट करेगा नंबर ऑफ कार्बन एटम, कितने होंगे कार्बन एटम यहाँ पर 12 होंगे, और एक चीज और डिनोट करेगा कितने पाई इलेक्ट्रॉन है इनके पास, 12 नंबर ऑफ कार्बन एटम दिखा रहा है, और 12 हमें क्या बताएगा, 12 पाई इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है। तो ये चीज पता चल गया हमें कि ये कंपाउंड में 12 कार्बन एटम है और 12 ही पाई इलेक्ट्रॉन है, देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 पाई बॉन्ड है, और 6 पाई बॉन्ड में 2-2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 × 2 = 12 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है नहीं है, तो ऑब्वियस बात है 12 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो अब इसकी जजमेंट करो, ये कंपाउंड एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है। तो भाई जजमेंट के लिए पहले इस चीज बता दो कि एरोमेटिक कंपाउंड कौन से होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड वो होते हैं जिनके पास साइक्लिक होंगे, कॉन्जुगेटेड होंगे, प्लेनर होंगे, और कौन से पाई इलेक्ट्रॉन कंटेन करेंगे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन जैसे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन जैसे, 10 पाई इलेक्ट्रॉन जैसे, 14 पाई इलेक्ट्रॉन जैसे, ये कंपाउंड क्या कहलाएंगे, एरोमेटिक कहलाएंगे, एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएंगे। और एंटी एरोमेटिक के लिए क्या शर्त है भाइयों, एंटी एरोमेटिक के लिए क्या शर्त है कि साइक्लिक तो होना चाहिए, कॉन्जुगेटेड भी होना चाहिए, प्लेनर भी होना चाहिए, और पाई इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, 4 पाई इलेक्ट्रॉन से स्टार्ट होता है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन वाले, 12 पाई इलेक्ट्रॉन वाले, और 16 पाई इलेक्ट्रॉन वाले, ऐसे इनके चार चार इंक्रीज करते जाना, आपको पता चल जाएगा कि कौन से कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है, कौन से कंपाउंड नॉन वो एरोमेटिक है। और एक होता है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, जो ना ही एरोमेटिक हो, जो ना ही एंटी एरोमेटिक हो, तो कौन बन जाते हैं, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। तो आपको पता चल जाएगा एरोमेटिक कंपाउंड साइक्लिक कॉन्जुगेटेड प्लेनर तो तीनों में सेम होते हैं, पर पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी पर ध्यान देना, यहाँ पे 2, 6, 10 पाई इलेक्ट्रॉन और 14 पाई इलेक्ट्रॉन जैसे सिस्टम दिखे तो कंपाउंड क्या हो जाएंगे, एरोमेटिक हो जाएंगे। अगर 4, 8, 10, 12 और 16 पाई इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम दिखने लग जाए हमें तो कंपाउंड एंटी एरोमेटिक कहलाएगा, अगर ये दोनों में से कुछ भी नहीं दिखे तो कंपाउंड नॉन एरोमेटिक कहलाएगा, इस चीज का ध्यान रखना। और एक चीज को और याद करना, हायर मेंबर में अगर कंपाउंड एंटी एरोमेटिक आता तो उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, किसमें कर देते हैं, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड में। अभी आपको रीजन बताया सबसे पहले ही स्टार्टिंग में, तो आ जाओ इसको जजमेंट करो, ये कंपाउंड एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है। तो देख सकते हैं ये कंपाउंड साइक्लिक है, अल्टरनेट पाई बॉन्ड प्रेजेंट होने की वजह से ये कॉन्जुगेटेड भी है और ये प्लेनर भी है। और कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, तो अभी हमने देखा कितने पाई इलेक्ट्रॉन है भाइयों, 12 पाई इलेक्ट्रॉन है, और 12 पाई इलेक्ट्रॉन किसके अंदर आते हैं, 12 पाई इलेक्ट्रॉन किसके अंदर आते हैं, एंटी के अंदर आते ही नहीं आते, देखो 12 पाई इलेक्ट्रॉन किसके अंदर आ रहे हैं, 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स किसके अंदर आ रहे हैं, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड के लिए आ रहे हैं। तो ये क्या बन जाएगा, एंटी एरोमेटिक बन जाएगा,
एंटी एरोमेटिक बन जाएगा। और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड अभी मैंने जैसा आपको बताया, जैसे हम 7 मेंबर से हायर मेंबर रिंग के ऊपर कदम रखते हैं तो जो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड वाले जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कंपाउंड एंटी एरोमेटिक हम तो नाम दे देंगे, पर वो एंटी एरोमेटिक नहीं रहता, वो कन्वर्ट हो जाता है नॉन एरोमेटिक में। नॉन एरोमेटिक में क्यों हो जाता है नॉन एरोमेटिक कन्वर्ट? क्योंकि इनकी जो रिंग है वो बहुत ज़्यादा हायर हो जाती है, हायर मेम्बर रिंग है, तो इनके पास कैपेबिलिटी होती है अपने साइक्लिक रेजोनेंस को रोकने के लिए। और जब साइक्लिक रेजोनेंस को रोकना है तो वो अपने कार्बन एटम को प्लेनरिटी से बाहर लेकर जाएगा, तो मतलब वो कार्बन एटम क्या हो जाएंगे? नॉन प्लेनर हो जाएंगे। और नॉन प्लेनर होने की वजह से कंपाउंड क्या कहलाएगा? नॉन एरोमेटिक कहलाएगा। तो ये एंटी एरोमेटिक नहीं कहलाएगा, ये कंपाउंड क्या कहलाया जाएगा? नॉन एरोमेटिक कहलाया जाएगा। और नॉन एरोमेटिक का तो ऑब्वियस बात है नॉन प्लेनर तो होगा। तो ये चीज़ क्लियर होगी होगी आपको। 12 एनोलिन में एरोमेटिसिटी का फंडा समझा के, 12 एनोलिन के पास 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, साइक्लिक कॉन्जुगेटिव प्लेनर है, 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, साइक्लिक है, कॉन्जुगेटिव है, प्लेनर भी है, 12 पाई इलेक्ट्रॉन है, उसकी वजह से हम एंटी एरोमेटिक बोलते हैं, पर एंटी एरोमेटिक कन्वर्ट हो जाते हैं नॉन एरोमेटिक में। तो ये कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है ना कि एंटी एरोमेटिक है, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। अब अगर हम 12 एनोलिन के सामने मेटल ले आते हैं तो इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उस चीज़ को हम देखने जा रहे हैं। अगर हम 12 अनुलीन पर मेटल दे देते हैं, अगर 12 अनुलीन में हम मेटल दे देते हैं, कौन से मेटल? सच एस मैग्नीशियम, पोटेशियम एक्सेट्रा। तो यहाँ पे हम मैग्नीशियम को ले आए, तो भाइयों मेटल क्या करते हैं? पाई बॉन्ड को होमोलिटिकली ब्रेक करेंगे। क्या करेंगे भाइयों? मेटल क्या करेंगे? पाई बॉन्ड को होमोलिटिकली ब्रेक करेंगे और इस रिंग में डायनाइन का जनरेशन कर देंगे, डायनाइन प्रोड्यूस कर देंगे। तो इस चीज़ का याद रखना, मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन वैकेंट होते हैं, बच जाते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन बचे होते हैं, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन अपने आप को शेयरिंग में डालने के लिए रेडी रहते हैं। तो ये क्या करेंगे? मैंने क्या बोला? मेटल इस रिंग के पाई बॉन्ड को होमोलिटिकली ब्रेक करेंगे। होमोलिटिकली में क्या होगा? आधे एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, तो मतलब यहाँ क्या बन जनरेट हो जाएंगे? फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? होमोलिसिस कभी भी होते हैं तो फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं। मतलब फ्री रेडिकल क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती है, इनको स्टेबल होने के लिए कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये जैसे ही होमोलिटिकली ब्रेक हो जाते हैं तो तुरंत मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट और शेयर कर देता है मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम जैसे शेयर कर देगा भाइयों तो ये कंपाउंड डायनाइन फॉर्म कर देगा, ये कंपाउंड डायनाइन फॉर्म कर देगा। तो देखो भाइयों थोड़ा इस चीज़ का देखना, समझ लेना, ये बना पड़ा है और डायनाइन फॉर्म कर दो भाइयों, डायनाइन फॉर्म कर दो, ठीक है। और ये डबल बॉन्ड हट चुके हैं और यहाँ एक फ्री रेडिकल, यहाँ फ्री रेडिकल, एक एक इलेक्ट्रॉन वहाँ मिलेंगे, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो गए, नहीं होंगे? होंगे ही नहीं होंगे। और जिसकी यहाँ पे ये कंपाउंड क्या था भाइयों? साइक्लिक तो था, कॉन्जुगेटेड था, प्लेनर था, और कितने पाई इलेक्ट्रॉन थे इसके पास? 12 पाई इलेक्ट्रॉन होने की वजह से कंपाउंड क्या था? एंटी एरोमेटिक था, यानी नहीं वो एंटी एरोमेटिक तो हम बोल अकॉर्डिंग टू हकल रूल इसके बोल सकते हैं एंटी एरोमेटिक, पर ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? नॉन एरोमेटिक में, नॉन एरोमेटिक में, अभी मैंने आपको बता दिया। तो ये कंपाउंड क्या है? नॉन एरोमेटिक है। और भाइयों जैसे ही हमने इसके अंदर डायनाइन प्रोड्यूस कर दिया, जैसे ही मेटल डाला तो डायनाइन प्रोड्यूस हो के, तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा? तो देखो भाइयों साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, प्लेनर भी है, कॉन्जुगेशन है पूरी रिंग में, देख लेना पाई सिग्मा नेगेटिव कॉन्जुगेशन है इसके अंदर, ठीक है। तो साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड, प्लेनर, और कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 10 तो हैं। और देखो यहाँ पे 2, 2, 4 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 4, 4 है, तो 10, 4, 14 कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स। और 14 पाई इलेक्ट्रॉन होने की वजह से कंपाउंड क्या हो जाएगा? एरोमेटिक हो जाएगा। ये कंपाउंड क्या हो जाएगा? एरोमेटिक हो जाएगा। तो इसका याद रखना, जैसे ही एनोलिन 12 एनोलिन के अंदर मैं मेटल डाल दूंगा तो डायनाइन प्रोड्यूस हो जाएंगे, और डायनाइन जैसे ही प्रोड्यूस होंगे, डायनाइन जैसे प्रोड्यूस होंगे वैसे ही ये कंपाउंड एरोमेटिसिटी को गेन कर लेगा, ठीक है। तो अभी मैंने आपको समझा दिया, इस चीज़ को नोट कर लो, नोट कर लो। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट जो केस हम देखने वाले हैं। अभी तो हमने देख लिया मेटल का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, मेटल का इफेक्ट ऑफ मेटल ऑन 12 एनोलिन, ये तो हमने देख लिया। अब देखने वाले हैं इफेक्ट ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, अगर इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो इस एनोलिन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उस चीज़ को हम देखने जा रहे हैं। तो जल्दी से नोट कर लो, मैं मिटा के आपको समझाने वाला हूँ। तो देखो भाइयों,
तो अनुलीन तो यही रहेगा, अनुलीन तो यही रहेगा। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं कि क्या इंपैक्ट पड़ेगा ट्रिपल बॉन्ड के आने पर ये इस अनुलीन पर। तो भाई एक चीज पहले आ जाओ, जब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होते हैं तो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, एसपी 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 और एसपी। तो भाइयों यहां जो कार्बन की जो बॉन्ड एंगल होगा वो कोस कितना होगा, 180 डिग्री। और आपको मैंने 3 to 10 मेंबर रिंग में जब आपको पढ़ा रहा था तब मैंने आपको 6 मेंबर रिंग का केस बताया था, जब जब बेंजीन में बेंजाइन बन जाता है, ये क्या है बेंजाइन, और बेंजाइन में जैसे ही ट्रिपल बॉन्ड का केस आता है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ बातें होती थी, वो चीज मैंने आपको समझाई थी। यहाँ पे कार्बन देखो, यहाँ पे बेंजाइन में, बेंजाइन में सभी कार्बन कैसे थे, sp2 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 और sp2। और आप क्या बोलोगे ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन क्या होंगे, एसपी एसपी, नहीं, यहां पर बेंजाइन के सभी कार्बन क्या पाए गए, sp2 पाए गए। क्यों पाए गए, रीजन है इसके पीछे, क्यों यहां पर इन इस ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 रही, उसके पीछे रीजन है क्या है वो बताता हूं। देखो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, बेसिकली कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में जो एंगल होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री एक बॉन्ड एंगल होता है, और 180 डिग्री बेचारे छोटी रिंग में मेंटेन नहीं हो पाता। 180 डिग्री क्या होता है, फ्लैट स्ट्रक्चर होता है, और यहाँ रिंग के अंदर 180 डिग्री मेंटेन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या रही, sp2 रही। इस ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या रही भाइयों, sp2 रही, ड्यू टू ये बॉन्ड एंगल यहाँ पे मेंटेन नहीं हो पाया, इसी वजह से यहाँ पे कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या रही, sp2 रही। आपको ये चीज क्लियर हुई। अब यहाँ पे देखते हैं, अगर इस अनुलीन के अंदर, अगर इस अनुलीन के अंदर हम ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन ले आते हैं, ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है, बेंजीन में तो हमने देख लिया, अब अनुलीन के अंदर देखते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड आते ही तो इस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, उस चीज को हम देखने जा रहे हैं। तो भाई इस चीज का याद रखना, जैसे ही हम हायर मेंबर रिंग 10 मेंबर या 10 मेंबर से ज्यादा हायर मेंबर रिंग की बात कर रहे हो, ठीक है, तो वहां पर ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, वहां पर ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, यहां पर ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि यहां पर शॉर्टर रिंग है, बहुत छोटी रिंग है, और यहां पर बड़ी रिंग होने की वजह से यहां पर ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा विद हाइब्रिडाइजेशन sp, विद हाइब्रिडाइजेशन sp, मतलब यहां पर ट्रिपल बॉन्ड की कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी, sp एग्जिस्ट करेगी। क्यों करेगी, उसके पीछे रीजन है, क्योंकि ये बड़ी रिंग है, बड़ी रिंग होती है तो इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटीज क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, फ्लेक्सीबिलिटीज क्या हो जाती है भाइयों, इंक्रीज हो जाती है, और फ्लेक्सीबिलिटीज इंक्रीज करने से बड़ी रिंग भी है तो 180 डिग्री बॉन्ड एंगल मेंटेन हो जाता है, करीब करीब पहुंच जाता है, इसी वजह से यहाँ पे जो ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन थी sp हो जाती है, sp हो जाती है। तो देखना भाइयों, sp हो जाती है, आपको रीजन समझ आ गया क्यों यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करते, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन रहेगी sp2 sp2, और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड के जो कार्बन होंगे उनकी हाइब्रिडाइजेशन sp रहेगी, वहां पे ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं। पर एक केस खराब हो जाएगा आपका कि हम पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 12 और 14, हम क्या लिख देंगे 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स। पर भाइयों यहाँ पे 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट नहीं किए जाएंगे, यहाँ पे सिर्फ 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स ही काउंट किए जाएंगे। कितने का किए जाएंगे, 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट किए जाने की वजह से ये कंपाउंड अभी भी क्या रहेगा, नॉन एरोमेटिक रहेगा। क्या रहेगा भाइयों, नॉन एरोमेटिक रहेगा। तो इस चीज का याद रखना, इस चीज का याद रखना, बेंजाइन के जो कार्बन एटम है वो sp हाइब्रिडाइजेशन तो रहेगी, बेंजाइन के जो कार्बन एटम की जो हाइब्रिडाइजेशन रहेगी वो sp तो रहेगी, पर उसके जो दो डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन काउंट होंगे, दूसरे डबल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं होंगे, उसी वजह से ये इसके इस रिंग में 12 पाई इलेक्ट्रॉन ही एग्जिस्ट थे और ये कंपाउंड नॉन एरोमेटिक ही रहा। तो ठीक है भाई, इस चीज को नोट कर लो, आगे हम नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट अनुलीन को डिस्कस करने जा रहे हैं। 12 अनुलीन में बस इतना ही था जिसमें हमारे एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते थे, ठीक है, इसी को ध्यान देना। ठीक है भाई, नोट कर लिया, तो आ जाओ अपने सेकेंड अनुलीन के ऊपर चलते हैं, उसका नाम है 14 अनुलीन।
क्यों भाई 14 एनुलिन पे गया, 13 एनुलिन क्यों नहीं पढ़ रहे? क्योंकि भाई वो 13 एनुलिन पढ़ेंगे, एनुलिन की कंडीशन क्या थी, मोनोसाइक्लिक रिंग तो होने चाहिए, मोनोसाइक्लिक रिंग के साथ साथ अल्टरनेट पाई बॉन्ड होने चाहिए। तो 12 एनुलिन में अल्टरनेट पाई बॉन्ड थी, 13 एनुलिन में अल्टरनेट पाई बॉन्ड नहीं थे, इसीलिए हम डायरेक्टली चल रहे हैं 14 एनुलिन। एनुलिन को पढ़ रहे तो भाई एनुलिन के सभी मेंबर को पढ़ना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम 14 एनुलिन को पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो 14 एनुलिन का जो स्ट्रक्चर होगा उस चीज पे ध्यान देना भाइयों, स्ट्रक्चर थोड़ा ध्यान देना, कंफ्यूज मत होना स्ट्रक्चर पे। तो आ जाओ 14 एनुलिन कुछ ऐसा दिखेगा, अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड दिखा दो, अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड दिखा दो भाइयों। तो दिखा दिए, तो ये है 14 एनुलिन। कार्बन एटम काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो भाई 14 एनुलिन कह सकते हैं, नहीं कह सकते, क्योंकि इस पे और ऊपर से मैं मोनोसाइक्लिक रिंग है, और कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है काउंट करो, 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये कंपाउंड क्या है, 14 एनुलिन है या नहीं है, 14 एनुलिन। तो भाई वो बिल्कुल 14 एनुलिन है। तो भाई वो देखो, ये कंपाउंड साइक्लिक है, बिल्कुल है, कॉन्जुगेटेड है, डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजिशन पे है, तो भाई कॉन्जुगेशन है, प्लेनर है, और कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 14 एनुलिन है, तो 14 कार्बन होते हैं, और एक और चीज डिनोट करता है, पाई इलेक्ट्रॉन भी डिनोट करता है, 14 पाई इलेक्ट्रॉन है, और इस वजह से 14 पाई इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। जिन भाइयों की एरोमेटिसिटी को जज करने में दिक्कत आ रही होगी, एरोमेटिसिटी का पहला लेक्चर जरूर देखें, एरोमेटिसिटी का पहला लेक्चर जरूर देखें, और सही बताऊं तो सीरियल वाइज देखते हैं तभी मजा आएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते रहो, अगर आप थोड़ा बहुत भी आता है तो यहाँ पे काम चल जाएगा, नहीं आता तो पिछली वीडियो जरूर देखना है, ठीक है। तो ये साइक्लिक है, कंजुगेटेड है, प्लेनर है, 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ये कंपाउंड एरोमेटिक है, ठीक है। अब कुछ हम केसेस लेकर आ रहे हैं, अब हम कुछ केसेस लेकर आ रहे हैं। तो यहाँ जो देखो, ये जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पर एनुलिन के पास हाइड्रोजन हाइड्रोजन होंगे, हाइड्रोजन होने की वजह से यहाँ जो प्लेनरिटी डिस्टर्ब नहीं होती, ये इस कंपाउंड की प्लेनरिटी डिस्टर्ब क्यों होगी, जो यार अरोमेटिक ही बन रहा, तो कौन चाहेगा अपनी प्लेनरिटी को डिस्टर्ब करना, बिल्कुल नहीं चाहेगा, प्लेनरिटी डिस्टर्ब नहीं होती, और यहाँ पर साइक्लिक कॉन्जुगेशन बहुत ही अच्छा होता है, इसलिए ये कंपाउंड क्या होता है, अरोमेटिक हो जाता है। अब मैं कुछ फर्क दिखाने ला रहा हूं कि ये कंपाउंड में अगर मैंने हाइड्रोजन हटाया और यहाँ पर दो कार्बन लगा दिए, और दोनों कार्बन से हमने रिंग को क्या कर दिया, मोनोसाइकिल रिंग बनाया नहीं है, यहाँ पर यहाँ जैसे ही दो कार्बन आए और ये रिंग क्या हुआ, बहुत सारी साइक्लिक रिंग में टूट गया, मतलब यहाँ पर अब ये कंपाउंड एनुलिन नहीं रहेगा। एनुलिन का केस क्या था, कंडीशन क्या थी, मोनोसाइकिल रिंग होनी चाहिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं एक साइक्लिक रिंग, ये एक साइक्लिक, दो तीन, मतलब चार चार साइक्लिक रिंग बन गई, छह मेंबर की साइक्लिक रिंग बन गई, तो ये कंपाउंड एनुलिन रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा। तो भाइयों ये कंपाउंड क्या होगा, एरोमेटिक होगा, एंटी एरोमेटिक होगा, नॉन एरोमेटिक होगा, जल्दी बताओ, एरोमेटिक होगा, एंटी एरोमेटिक होगा, नॉन एरोमेटिक होगा। तो आप क्या देखोगे, आप देखोगे इस कार्बन एटम को, तो इस कार्बन एटम पे जैसे ही देखोगे तो देखोगे दोनों ही कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और मैंने आपको बताया था कि जैसे ही कार्बन रिंग के अंदर sp3 कार्बन आ जाते हैं तो वो उनके अंदर कॉन्जुगेशन पूरी होती नहीं है, तो ये कंपाउंड क्या हो जाएंगे, नॉन कॉन्जुगेटेड। तो ये कंपाउंड भाइयों नॉन कॉन्जुगेटेड नहीं रहा, ये जो दो कार्बन है ये sp3 कार्बन है, तो आप क्या सोचोगे ये नॉन प्लेनर होंगे भाइयों, ये नॉन कॉन्जुगेटेड नहीं है, नॉन प्लेनर नहीं है। तो देखो यहाँ पर 14 पाई इलेक्ट्रॉन अभी भी प्रेजेंट है, और 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्लेन में है, ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर 14 पाई इलेक्ट्रॉन अभी भी प्रेजेंट है, और 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स अभी भी प्लेन में है, और यहाँ पर साइक्लिक रेजोनेंस अभी भी जारी है, और अभी भी साइक्लिक रेजोनेंस को जारी होने की वजह से ये कंपाउंड अभी भी क्या है भाइयों, एरोमेटिक है। क्यों है एरोमेटिक, ये अभी भी साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, प्लेनर है, और जबकि यहाँ पर sp3 कार्बन है, तो इस चीज को याद रखना है कि ये साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेटेड है, प्लेनर भी है, ठीक है, और इनके पास 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स अभी भी हैं, तो इसी वजह से ये पूरी रिंग कॉन्जुगेटेड है, साइक्लिक भी है, और इसी वजह से कंपाउंड क्या है, अभी भी एरोमेटिक भी है, ठीक है। अब मैं कुछ मॉडिफिकेशन करने जा रहा हूं इस कंपाउंड के अंदर, इतना याद रखना, अगर मैं इस हाइड्रोजन को हटाता हूं,
अगर इफ मैं इसका हाइड्रोजन को हटा देता हूं और दो कार्बन लगा देता हूं, जिसकी वजह से अनुलीन तो नहीं कहलाएगा, पर इसके अंदर अभी भी साइक्लिक रेजोनेंस हो रही है, तो ये कंपाउंड एरोमेटिक हो सकता है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, हमें हर जगह से तैयार रहना होगा। तो अब मैं कुछ मॉडिफिकेशन करने जा रहा हूं अनुलीन के अंदर। अब थर्ड केस देख रहे हैं, तो अनुलीन 14 अनुलीन का फर्स्ट केस देख लिया, सेकंड केस ये था, अब थर्ड केस देख रहे हैं 14 अनुलीन में क्या कर रहे हैं हम। अगर इसके अंदर डबल बॉन्ड आ जाए इसी कार्बन के बीच, भाइयों देख सकते हैं डबल बॉन्ड के आने से तब भी इसके एरोमेटिसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तब भी इसके एरोमेटिसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? डबल बॉन्ड आ भी गए तो देख सकते हैं कि ये डबल बॉन्ड पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट नहीं होते। पहले एक चीज बात याद रखना, यहां के वाले जो डबल बॉन्ड है वो पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट नहीं होते। इस चीज का याद रखना कि ये जो पेरिफेरल इलेक्ट्रॉन है, पेरिफेरल क्या होते हैं, साइड वाले इलेक्ट्रॉन, साइड वाले जो इलेक्ट्रॉन है 14 पाई इलेक्ट्रॉन, अभी भी वो प्लेन में और अभी भी वो कॉन्जुगेशन कर रहे हैं, अभी भी डिलोकलाइजेशन में पार्ट करके इस रिंग में 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स अभी भी प्रेजेंस हैं। ठीक है भाइयों, तो इस चीज का ध्यान रखना। तो इसी वजह से यहाँ पे साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेटेड प्लेनर भी है, ये कंपाउंड अभी भी क्या है भाइयों, एरोमेटिक है। तो इस चीज का ध्यान रखना, डबल बॉन्ड के आ जाने से तब भी इस कंपाउंड की एरोमेटिसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, डबल बॉन्ड के आ जाने से और इस कंपाउंड की एरोमेटिसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है भाई, तो इस चीज को नोट कर लो। और एक चीज और, इस बीच वाले जो इलेक्ट्रॉन है पाई इलेक्ट्रॉन, इनको लोकलाइज्ड होते हैं, ये बीच वाले जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या से होते हैं, लोकलाइज्ड होते हैं। इस चीज याद रखना, ये जो बीच वाले पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं लोकलाइज्ड होते हैं और इनको पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट नहीं करते। अगर हम पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट करते हैं तो हम यहाँ 16 पाई इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, और 16 पाई इलेक्ट्रॉन लिखने के बाद एंटी एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक को कन्वर्ट कर देते नॉन एरोमेटिक में, पर ऐसा हुआ नहीं। क्यों? ये जो डबल बॉन्ड के जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये क्या है भाई, लोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन है। ये कैसे है लोकलाइज्ड? और लोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन को हम लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन को हम पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट नहीं करते। इस चीज का याद रखना। ठीक है, अब आ जाओ इसी 14 एलुनिन में एक था फोर्थ केस कर लेते हैं, जिसपे बेस्ड हमारे नेट और गेट में एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था, नेट और गेट के एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था, उस चीज को हम देखने जा रहे हैं। देखो भाइयों, ये जो हमारा 14 एलुनिन है, अगर इसमें मेटल डाल दिया जाए, क्या डाल दिया जाए, मैग्नीशियम डाल दिया, तो भैया अभी मैंने आपको बताया था 12 एनुलिन के केस में मैग्नीशियम के बाद दो इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, और ये क्या करेगा, तुरंत ही होमोलिटिकली इसमें क्लीवेज कर देगा, और क्लीवेज करने के बाद क्या कर देगा, डायनाइन फॉर्म कर देगा। होमोलिटिकली यहाँ क्लीवेज होगी, और क्लीवेज होते ही यहाँ पे फ्री रेडिकल जनरेट होंगे, और फ्री रेडिकल जैसे ही जनरेट होंगे ये अपने इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में करके इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ डाल देगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ डाल देगा, और एक इलेक्ट्रॉन यहां डालने की वजह से ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, डायनाइन फॉर्म हो जाएंगे इसके अंदर। अभी आपको मैंने कराया था ये चीज, और इससे पिछली वीडियो में मैंने ये सारी चीज बताई थी, अगर मेटल आ जाता है तो क्या होगा, अगर इसके अंदर प्रोटोनेशन करवाते तो क्या होगा, वो चीज मैंने आपको समझा चुका हूं, और यहां पर भी अभी आपको क्लियरिटी में समझा दिया मैंने। ठीक है, तो यहां पर मेटल डालते हैं, यहां पर क्या होगा भाई, यहां पर क्या हो जाएंगे, डायनाइन प्रोड्यूस हो जाएंगे, और डायनाइन प्रोड्यूस होने की वजह से यहां पे ये कंपाउंड क्या था, एरोमेटिक था या नहीं था, अभी मैंने बताया था 14 एलुनिन एरोमेटिक होता है, और यहां पे चेक करो ये कंपाउंड क्या हो गया, इसकी एरोमेटिसिटी पे क्या फर्क पड़ा, उस चीज पे देख लेते हैं। ये कंपाउंड अभी भी साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड प्लेनर है, और कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 12, 14 और 16, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 16 पाई इलेक्ट्रॉन, और 16 पाई इलेक्ट्रॉन होने की वजह से अकॉर्डिंग टू हक्कल, किसके अकॉर्डिंग टू हक्कल ये कंपाउंड क्या होगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। अब आप बोलोगे एंटी एरोमेटिक को कन्वर्ट कर देते हैं नॉन एरोमेटिक में, बिल्कुल करते हैं, पर भाई वो यहाँ पर ये एंटी एरोमेटिक ही रहा, ये एक्सेप्शनल केस है, इसको याद रखना, नेट और गेट में इसको एंटी एरोमेटिक ही माना गया, इसको नॉन एरोमेटिक नहीं माना गया। ठीक है, इस चीज को याद रखना, क्योंकि जो इसके पीछे रीजन है, और मैंने यहाँ पूरा स्ट्रक्चर बनाया नहीं, इस चीज को देखना। ठीक है, यहाँ पे जो ये सिंगल कार्बन जो सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जब बन जाते हैं,
इसके पीछे रीजन सोचो, ये कंपाउंड अभी भी एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक नहीं है। क्यों है? उसके पीछे रीजन बता रहा हूं कि यहां जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जो बन जाते हैं तो साइक्लिक कॉन्जुगेशन और प्लेनरिटी को हम लॉस नहीं कर सकते। क्यों? यहां पे अगर हम एंटी एरोमेटिक को नॉन एरोमेटिक बोल देते, नॉन एरोमेटिक क्या होता है? नॉन प्लेनर। तो यहां पे नॉन प्लेनरिटी को हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते। क्यों? यहां पर कार्बन कार्बन जब सिंगल बॉन्ड बन जाते हैं तो एक लॉक्ड स्ट्रक्चर बन गया, ये कुछ लॉक्ड स्ट्रक्चर बन जाता है और इसी वजह से हमें प्लेनरिटी का लॉस नहीं कर सकते। किस वजह से नहीं कर सकते? क्योंकि इसकी जो लॉक्ड स्ट्रक्चर है वो हमें प्लेनरिटी को डिस्टर्ब करने ही नहीं देती। ड्यू टू लॉक स्ट्रक्चर साइक्लिक कॉन्जुगेशन ऑफ 16 पाई इलेक्ट्रॉन, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स का? 16 पाई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं है, 16 पाई इलेक्ट्रॉन्स का चलता रहता है और चलता रहेगा। इसी वजह से ये कंपाउंड क्या रहेगा भाइयों? एंटी एरोमेटिक रहेगा। इस चीज का याद रखना, ठीक है भाइयों? ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक था, हम नॉन एरोमेटिक बोलते, पर इसके पीछे रीजन है, इसका लॉक्ड स्ट्रक्चर, इसको इसके लॉक्ड स्ट्रक्चर होने की वजह से 16 पाई इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्जुगेशन चलता रहता है, वो अपने आप को प्लेनेटरी से बाहर ला ही नहीं पाता, जिसकी वजह से कंपाउंड क्या रह जाता है? एंटी एरोमेटिक रह जाता है। तो इस चीज का याद रखना, अगर हम मेटल डाल देते हैं 16 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, कंपाउंड क्या हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक ही रहेगा, नॉन एरोमेटिक में कन्वर्ट नहीं करेंगे। तो इस चीज को नोट कर लो, यहाँ पे हमने अपना ये कंप्लीट कर दिया है। तो एक केस हो रहा है छोटा सा, ये देख लेना, छोटा सा ये देख लेना कि अगर तो ये 14 एल्यूनिन को एक केस में और दिखा सकते हैं, हम एक ऐसे भी दिखा सकते हैं, इस चीज को ध्यान देना, ठीक है? 14 एल्यूनिन को हम एक चीज ऐसे करके भी दिखा सकते हैं, एक स्ट्रक्चर ऐसा भी है, तो कंफ्यूज मत होना, ये भी स्ट्रक्चर ठीक है और ये भी स्ट्रक्चर ठीक है। तो पहले एक चीज और आओ, यहां पर मैंने आपको पिछली वीडियो में एक चीज और बताई थी, यहां पर मैं अगर इस नेगेटिव चार्ज को मैं ऐसे रखता हूं और इसके अंदर ये 2 नेगेटिव यहां दिखाता हूं, ये भी नेगेटिव चार्ज, मतलब ये भी डायोनाइन वहां बाहर भी दिखाता हूं, तो ये भी परफेक्ट स्ट्रक्चर है, वो भी होगा स्ट्रक्चर और ये भी होगा स्ट्रक्चर, इन दोनों का ध्यान रखना, ठीक है? अब आ जाओ 14 एल्यूमिनियम का जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, एक ऐसे ही सिमिलर स्ट्रक्चर ये भी है, ठीक है? इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है? आ जाओ, ये है हमारा 14 एल्यूमिनियम, ठीक है भाइयों? ये हमारा क्या है? 14 एल्यूमिनियम साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड प्लेनर है और ये कंपाउंड क्या है? एरोमेटिक है। अगर इस 14 एल्यूनिन में कार्बन को हटाकर ब्रिजिंग एटम लगा दिया जाए, ये अभी भी लॉक्ड स्ट्रक्चर है या नहीं है? ये अभी भी लॉक्ड स्ट्रक्चर है? नहीं है भाइयों, यहां पर लॉक्ड स्ट्रक्चर नहीं है, ये लॉक स्ट्रक्चर नहीं है। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होते हैं तो लॉक स्ट्रक्चर करते हैं, ब्रिजिंग एटम क्या करते हैं? दो एटम किसी एटम के थ्रू कॉम्बिनेशन होता है, तो ये लॉक स्ट्रक्चर नहीं है। तो ये कंपाउंड अभी भी क्या है? एरोमेटिक है। तो इस चीज का याद रखना, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के थ्रू ये कंपाउंड क्या होता है? एंटी एरोमेटिक रहता है, पर जैसे ही ब्रिजिंग एटम आते हैं तो ये कंपाउंड क्या हो जाता है? एरोमेटिक हो जाता है। इस चीज को नोट कर लो भाइयों, ठीक है? फिर आप अपने, तो भाइयों नोट कर लिया, तो अब हम अपने दूसरे कंसेप्ट के ऊपर चल रहे हैं जिसका नाम है होमो एरोमेटिक कंपाउंड। क्या है भाइयों? होमो एरोमेटिक कंपाउंड। तो आज जो होमो एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं उनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज भैया होमो एरोमेटिक कंपाउंड, होमो एरोमेटिक कंपाउंड, तो ये जो कंपाउंड है इनके पास भी साइक्लिक कंपाउंड है, ये भी एक साइक्लिक कंपाउंड है, ये भी क्या है? साइक्लिक कंपाउंड वाली कहानी है, यहां पर भी साइक्लिक कंपाउंड है, ये एक साइक्लिक कंपाउंड है और इनके पास भी 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। कितने हैं? 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन। कौन कौन से होते हैं 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन? टू जिनके पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो, और यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी? जीरो से स्टार्ट होगी, 1, 2, 3, 4 और ऐसे चलती रहेगी। n की वैल्यू जीरो लेते हैं तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, n की वैल्यू 1 लेते हैं तो क्या देंगे? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, फिर 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो सिस्टम होगी वो किस सिस्टम आते हैं? एरोमेटिक सिस्टम आते हैं, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये कंपाउंड क्या हो जाना चाहिए? होमो एरोमेटिक कंपाउंड। ये कंपाउंड ऑब्वियस ही बात है एरोमेटिक होना चाहिए, एरोमेटिक होना चाहिए। तो पर भाइयों एरोमेटिक होने के लिए इतना सब कुछ थोड़ी चाहिए होता है। कहता है भाइयों भले ही हम एरोमेटिक नहीं है, ये कहते हैं हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड तो है और हमारे पास एरोमेटिक वाले इलेक्ट्रॉन है, पर इसकी वजह से हम भले ही हम एरोमेटिक नहीं है, फर्क इतना है, ओनली वन एटम इन अ रिंग इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। होमो एरोमेटिक कंपाउंड में फर्क कितना है? ओनली
वन एटम इन आ रिंग इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। कितने हैं? एक एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, भले ही वो कंपाउंड साइक्लिक है, भले ही उसके पास 4n plus 2 pi इलेक्ट्रॉन है। जब उसके पास एक कार्बन एटम या एक भी एटम sp3 हाइब्रिडाइजेशन कंटेन करेगा, तभी वो कंपाउंड क्या कहलाएगा? होमो एरोमेटिक कहलाएगा। तभी वो क्या कहलाएगा? होमो एरोमेटिक कहलाएगा। तो भाई जैसे ही अभी जैसा मैंने आपको बताया, जैसे ही रिंग के अंदर एक भी एटम sp3 हाइब्रिडाइजेशन लेगा तो कंपाउंड क्या कहलाएगा? नॉन प्लेनर कहलाएगा। अगर वो नॉन प्लेनर होगा तो ये कंपाउंड क्या बन जाएगा? नॉन एरोमेटिक बन जाएगा, नॉन एरोमेटिक बन जाएगा। तो हम इस नॉन एरोमेटिक कंपाउंड वाले सिस्टम को होमो एरोमेटिक क्यों बोल रहे हैं? भाइयों ये जो होमो एरोमेटिक है ना, कुछ स्पेशल टाइप ऑफ नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, कुछ स्पेशल टाइप ऑफ नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं जिनका हम होमो एरोमेटिक का नाम देते हैं। ठीक है, ये कुछ नॉन एरोमेटिक टाइप के कुछ स्पेशल कंपाउंड है, उनको हमें डील करना है, इसीलिए इसका नाम क्या है? होमो एरोमेटिक है। भले ये साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, नॉन कॉन्जुगेटेड है, साइक्लिक है, 4n plus 2 pi इलेक्ट्रॉन कंटेन कर रहा है, तो एरोमेटिक भी हो सकता है, पर एरोमेटिक नहीं हुआ। और ये नॉन प्लेनर में है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन कंटेन होगा, ये साइक्लिक है और 4n plus 2 pi इलेक्ट्रॉन भी कंटेन कर रहा हूं। अगर इसके अंदर एक sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, अगर किसी रिंग के अंदर एक sp3 हाइब्रिडाइज एटम है और उसके पास 4n plus 2 pi इलेक्ट्रॉन है, साइक्लिक है, तो वो कंपाउंड क्या कहलाएगा? होमो एरोमेटिक कहलाएगा। नॉन एरोमेटिक कहला सकता था, पर ये स्पेशल टाइप ऑफ नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है जिनको आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, तो इस चीज का याद रखना। ठीक है, क्यों क्यों ये स्पेशल टाइप ऑफ नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं? क्योंकि ये sp3 हाइब्रिडाइज होने की वजह से, नॉन प्लेनर होने की वजह से ये कंपाउंड होमो एरोमेटिक इसलिए होते हैं क्योंकि इनके अंदर पार्शियल पार्शियल एरोमेटिक करेक्टर होता है। इनके अंदर क्या होता है? पार्शियल एरोमेटिक बिहेवियर होता है। ठीक है, पार्शियल एरोमेटिक करेक्टर प्रोड्यूस होने की वजह से ये कंपाउंड क्या कहलाते हैं? होमो एरोमेटिक कहलाते हैं। इसी वजह से ये नॉन एरोमेटिक नहीं कहलाते। नॉन एरोमेटिक में कोई भी एरोमेटिक करेक्टर नहीं होता, और जबकि इनके अंदर पार्शियल एरोमेटिक करेक्टर होने की वजह से ये कंपाउंड क्या होते हैं? थोड़े नॉन एरोमेटिक कंपाउंड से कुछ स्पेशल कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर पार्शियल एरोमेटिक करेक्टर होते हैं, उन कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? होमो एरोमेटिक कहलाते हैं। ठीक है भाई, इस चीज का क्लियर हो गया होगा होमो एरोमेटिक क्या कहते हैं। अब आ जाते हैं होमो एरोमेटिक कंपाउंड में कौन कौन से कंपाउंड आते हैं। ठीक है, तो बताओ ये कंपाउंड होमो एरोमेटिक होंगे या नहीं होंगे? ये कंपाउंड होमो एरोमेटिक होंगे या नहीं होंगे? तो इतना याद रखना, होमो एरोमेटिक कंपाउंड में भले ही ये कंपाउंड साइक्लिक हो, भले ही उसके पास 4n plus 2 pi इलेक्ट्रॉन हो, तो होमो एरोमेटिक होने की शर्त क्या है? कि रिंग में एक एटम जो होगा वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन कंटेन करना होना चाहिए। तो देखो, ये एक रिंग आपके पास है, ये एक रिंग आपके पास है और एक रिंग ये आपके पास है, तो बताओ इनमें से होमो एरोमेटिक कंपाउंड कौन से है? तो देखो, ये साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, प्लेनर भी, पाई सिग्मा पाई, कॉन्जुगेशन है या नहीं है? बिल्कुल है, पाई सिग्मा पॉजिटिव, कॉन्जुगेशन है। और कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? सिर्फ दो पाई इलेक्ट्रॉन है। दो पाई इलेक्ट्रॉन होने की वजह से कंपाउंड क्या हो गया? एरोमेटिक हो गया। इस पे दो, ये साइक्लिक है, पर यहां पर देखो sp3 कार्बन एटम है, और sp3 कार्बन एटम है और इनके पास पाई इलेक्ट्रॉन, देखो ऑब्वियस बात है, दो पाई इलेक्ट्रॉन है, और दो पाई इलेक्ट्रॉन, देखो ये दो पाई इलेक्ट्रॉन मतलब 4n plus 2 पाई इलेक्ट्रॉन वाले करेक्टर रख रखे हैं। साइक्लिक कंपाउंड है, 4n plus 2 पाई इलेक्ट्रॉन है इनके पास, और इनके पास sp3 कार्बन भी है, तो ये कंपाउंड क्या कहलाएगा? होमो एरोमेटिक कहलाएगा। ये कंपाउंड क्या कहलाएगा? होमो एरोमेटिक कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि इनके अंदर क्या होते हैं? पार्शियल एरोमेटिक करेक्टर डेवलप हो जाते हैं। वो कैसे होते हैं वो चीज बताऊंगा। तो पहले एक चीज पहले ये देखो, अगर यहाँ पे sp3 कार्बन प्रोड्यूस है तो ये अपने 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 साइक्लिक कॉन्जुगेशन को रोकने के लिए अपने आपको नॉन प्लेनरिटी की फॉर्म में लेके जाएगा, नॉन प्लेनर बनने के लिए अपने आपको प्लेनरिटी से बाहर लाने की कोशिश करेगा। तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, जब ये प्लेनरिटी से बाहर लेके आने की कोशिश करेगा तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। देखो, एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन है, चार मेंबर की रिंग है ही नहीं है, और इन सभी के पास पाई, ये पाई बॉन्ड बने हैं, ये पाई बॉन्ड बने हैं, तो यहां पी ऑर्बिटल, यहां पे पी ऑर्बिटल और एक ऑर्बिटल यहां पे। तो भाई देख सकते हैं यहां पर आराम से कॉन्जुगेशन हो सकता है,
यहां पर आराम से कॉन्जुगेशन हो सकता है, पर जैसे ही sp3 कार्बन अपने आप को नॉन प्लेनर प्लेनरिटी में लेके जाता है, प्लेनरिटी से अपने आप को बाहर ले जाता है, तो यहां पे कॉन्जुगेशन हो नहीं पाती। तो इसी वजह से यहां पर क्या होता है, सिर्फ पार्शियल कॉन्जुगेशन हो पाता है इतने के बीच में। यहां पर क्या होता है, पार्शियल एरोमेटिक करेक्टर, पार्शियल ओवरलैपिंग हो पाती है, यहां पर पार्शियल ओवरलैपिंग डन हो जाती है, ओवरलैपिंग डन हो जाती है, और पार्शियल ओवरलैपिंग डन होने की वजह से यहां पे क्या हो जाता है, पार्शियल एरोमेटिक करेक्टर डेवलप हो जाते हैं, एरोमेटिक करेक्टर डेवलप, और जिसकी वजह से ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, जिसकी वजह से ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, होमो एरोमेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, होमो एरोमेटिक हो जाएगा। अगर इसके अंदर पार्शियल एरोमेटिक करेक्टर डेवलप नहीं होते तो ऑब्वियस ही बात है ये नॉन प्लेनर होता, और नॉन प्लेनर होने की वजह से कंपाउंड क्या हो जाता है, नॉन एरोमेटिक हो जाता। पर यहाँ पार्शियल एरोमेटिक करेक्टर डेवलप हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पे sp3 कार्बन क्या है, वो sp3 कार्बन होने की वजह से यहाँ पार्शियल एरोमेटिक करेक्टर डेवलप होने की वजह से कंपाउंड क्या है, होमो एरोमेटिक है। तो भाई आप चीज समझ आ गई, होमो एरोमेटिक होने के लिए एक कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। अब देखो नेक्स्ट जो हम एटम ले रहे हैं, तो इस चीज को नोट कर लेना, वीडियो को पीछे करके इस चीज को नोट कर लेना। अब जो नेक्स्ट एटम जो लेने जा रहे हैं उसमें बताना कि ये कंपाउंड होमो एरोमेटिक है या नहीं है, ये कंपाउंड होमो एरोमेटिक है या नहीं है। तो देखो भाई, तो आप बोलोगे यहां पर दो sp3 कार्बन आ गए, sp3 कार्बन और दो sp3 कार्बन आ गए, तो भाई होमो एरोमेटिक की शर्त क्या है, साइक्लिक होने चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन भी होने चाहिए, तो साइक्लिक भी है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन भी है इनके पास, पर इनके पास एक एटलीस्ट, मतलब इनके पास ओनली एक कार्बन होनी चाहिए, सिर्फ ओनली एक कार्बन जो एटम होना चाहिए, ओनली एक एटम जो होना चाहिए वो कंपाउंड sp3 होना चाहिए, ओनली एक एटम sp3 हाइब्रिडाइजेशन रखना चाहिए। या फिर दो एटम कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइजेशन कंटेन कर रहे हैं, तो इसकी वजह से कंपाउंड क्या हो जाएंगे, नॉन प्लेनर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, नॉन प्लेनर हो जाएंगे, इनके अंदर पार्शियल ओवरलैपिंग डन ही नहीं हो पाती, नो पार्शियल ओवरलैपिंग डन, जिसकी वजह से ये कंपाउंड क्या हो जाएंगे, जब पार्शियल ओवरलैपिंग डन नहीं हो सकती तो नॉन प्लेनर कहलाएंगे, और नॉन प्लेनर कहलाने की वजह से ये कंपाउंड क्या हो जाएंगे, नॉन एरोमेटिक। तो याद रखना एक ही कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, एक ही एटम sp3 हाइब्रिडाइजेशन कंटेन करनी चाहिए, तभी ये कंपाउंड क्या कहलाएगा, होमो एरोमेटिक कहलाएगा। और यहाँ पे दो दो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन कंटेन कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है कंपाउंड क्या कहलाएगा, नॉन प्लेनर, और नॉन प्लेनर होता है ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। ठीक है भाई, ये चीजें याद रखना। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो कंपाउंड ले रहे हैं तो उसमें बताना वो कंपाउंड एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, होमो एरोमेटिक है, सारी चीज बतानी है। ठीक है, तो भाई देखो ये कंपाउंड है कोट, क्या है कोट, COT, साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन। तो देख सकते हैं ये कंपाउंड साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, प्लेनर है, और कितने पाई इलेक्ट्रॉन, दो चार दो आठ पाई इलेक्ट्रॉन होने की वजह से कंपाउंड क्या हो जाएगा, एरोमेटिक अकॉर्डिंग टू हकल रूल, एरोमेटिक। पर जैसे मैंने कहा था सात मेंबर रिंग में आ जाते हैं तो ये भी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है, और ये अपने आप को नॉन प्लेनर फॉर्म में अपनी साइक्लिक कंजुगेशन रोक सकते हैं, कंपाउंड एरोमेटिक ना होकर नॉन एरोमेटिक हो सकता है। तो बिल्कुल भाई ये कंपाउंड क्या है, नॉन एरोमेटिक है। अगर इस नॉन एरोमेटिक कंपाउंड कोट में, अगर मैं प्रोटोनेशन करवा देता हूं, तो भाइयों प्रोटोनेशन कभी भी होता है जब ये पाई बॉन्ड हेट्रोलिटिकली क्लीवेज होगा, हेट्रोलिटिकली मतलब एक इलेक्ट्रोनेगेटिव, एक कार्बन एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, एक कम होगा, तो ये क्या करेगा, जैसे ये कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो दोनों इलेक्ट्रॉन को पकड़ेगा और अपनी साइड खींच लेगा, तो इसके ऊपर क्या हो जाएंगे, नेगेटिव जो दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिए इसने, तो अनशेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गई, और इसने इसकी इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए, तो इस पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और जैसे ही प्रोटॉन है, प्रोटॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट, मतलब इलेक्ट्रॉन को चाहिए, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, और ये क्या करेगा, तुरंत जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा मिलेगी वो वहां अटैक मार देगा, और कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा, नहीं दिखेगा भाई, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा, और जैसे ही अटैक मारेगा तो H यहां पे आ जाएगा, H यहां पे लग जाएगा, और एक पॉजिटिव चार्ज यहां पे दिखेगा,
और जैसे ही ये नॉन एरोमेटिक था, जैसे ही ये प्रोटोनेट हुआ तो ये कंपाउंड क्या हो गया, साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, प्लेनर है, और कितने पाई इलेक्ट्रॉन, दो दो चार दो छह, और सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन होने की वजह से, और इसके अंदर देख सकते हैं ये कंपाउंड क्या है, ये जो कार्बन एटम है एसपी थ्री हाइब्रिडाइज है, नहीं है ये कार्बन एटम एसपी थ्री हाइब्रिडाइजेशन कंटेन कर रहा है, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन भी कंटेन कर रहा है, साइक्लिक भी है, साइक्लिक भी है पर नॉन कॉन्जुगेटेड है, नॉन कॉन्जुगेटेड है, ऐसे नहीं बोलेंगे भाइयों, ठीक है, साइक्लिक भी है, नॉन कॉन्जुगेटेड है, साइक्लिक भी है, और यहां ये वाला कार्बन एटम है sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है, ये वाला कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये होमो एरोमेटिक की शर्त क्या थी, साइक्लिक भी होना चाहिए, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन भी कंटेन कर रखा है, अगर उसके पास एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम है, एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम है, यहाँ पे एटलीस्ट एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम है, यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज्ड नहीं है, ठीक है, यहाँ पे एक ही कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन कंटेन कर रखा है, तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, होमो एरोमेटिक बन जाएगा, नहीं हो जाएगा, होमो एरोमेटिक बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, कैसे, क्यों हो जाएगा होमो एरोमेटिक, एक कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड होने की वजह से इसके अंदर पार्शियल ओवरलैपिंग डन हो जाएगी, और पार्शियल ओवरलैपिंग जैसे डन होती है तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, स्पेशल टाइप ऑफ नॉन एरोमेटिक कंपाउंड कहेंगे, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, होमो एरोमेटिक, और कैसे पार्शियल ओवरलैपिंग डन होती है वो चीज मैं आपको समझाने जा रहा हूं, ठीक है, ये किताबों में दिखा रखा है, किताबों में जो दिखाया है वो चीज मैं आपको दिखा सकता हूं, कि कहते हैं देखो, एक sp3 कार्बन एटम होने की वजह से ये अपने आपको प्लेनेरिटी से बाहर लेकर जाएगा, प्लेनेरिटी से बाहर लेकर जाएगा, और प्लेनेरिटी से जैसे बाहर लेकर जाएगा, जैसे यहां पे एक ऑर्बिटल, यहां पे एक ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल यहां पे, और ये कॉन्जुगेशन पूरी हो रही थी, कॉन्जुगेशन पूरी हो रही थी, पर यहां पे कॉन्जुगेशन ये अपने आप को रोकने लग गया, पर यहां पे थोड़ी बहुत पार्शियल ओवरलैपिंग हो गई, और पार्शियल ओवरलैपिंग होने की वजह से पार्शियल एरोमेटिक कैरेक्टर डेवलप हुए, पार्शियल एरोमेटिक कैरेक्टर डेवलप होने की वजह से कंपाउंड क्या हो गया, होमो एरोमेटिक हो गया, तो ये चीज थी होमो एरोमेटिक कंपाउंड की कहानी, इस चीज को नोट कर लो, यहाँ पे हमने होमो एरोमेटिक कंपाउंड भी डिस्कस कर लिए, अनुलीन देख लिया, होमो एरोमेटिक कंपाउंड देख लिए, अब नेक्स्ट जो देखने जा रहे हैं फ्यूज्ड एरोमेटिक रिंग को देखने जा रहे हैं, फ्यूज्ड एरोमेटिक रिंग को देखने जा रहे हैं, ठीक है भाई, तो आ जाओ, क्या देखने जा रहे हैं, फ्यूज्ड एरोमेटिक रिंग को देखने जा रहे हैं, तो कुछ मैंने आपको फ्यूज्ड एरोमेटिक रिंग दिखाई है, क्या ये फ्यूज्ड एरोमेटिक रिंग है, क्या ये फ्यूज्ड एरोमेटिक रिंग है, पहले तो इसके स्पेशल नाम पे आ जाओ, ये कंपाउंड क्या है, बेंजीन है, ये जो एरोमेटिक रिंग है बेंजीन है, इसका नाम है नेप्थलीन, नेप्थेलीन, इसका नाम है एंथ्रासीन, एंथ्रासीन, और इसका नाम है, इसका नाम क्या है, फिनेन्थ्रीन, फिनेन्थ्रीन, ठीक है भाइयों, तो ये बेंजीन है, ये नेप्थलीन है, ये एंथ्रासीन है, और फिनेन्थ्रीन है, अब बताओ फ्यूज्ड साइक्लिक रिंग कौन सी होती है, फ्यूज्ड एरोमेटिक रिंग कौन कौन सी है, फ्यूज्ड एरोमेटिक रिंग क्या होती है, दो कार्बन से दो रिंग अटैच होती है, फ्यूज्ड होती है, वो फ्यूज्ड एरोमेटिक रिंग है, तो ये नो फ्यूज्ड एरोमेटिक रिंग, नो फ्यूज्ड एरोमेटिक रिंग, ये फ्यूज्ड एरोमेटिक रिंग है, ये भी एरोमेटिक रिंग है फ्यूज्ड, ये भी फ्यूज्ड एरोमेटिक रिंग है, तो आपको समझ में आ गया वो फ्यूज्ड एरोमेटिक रिंग कौन सी होती है, जब दो या तीन रिंग एक साथ फ्यूज होती है दो कार्बन एटम के थ्रू, वो कहलाती है फ्यूज्ड एरोमेटिक रिंग, ठीक है भाइयों, अब हमारे एग्जाम से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं फ्यूज्ड एरोमेटिक रिंग पे, आपसे पूछ लेगा कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने होंगे, अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तो कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, उस पे वो क्वेश्चन आ जाएगा, और थर्ड जो क्वेश्चन आने वाला है वो आएगा रेजोनेंस एनर्जी पे, रेजोनेंस एनर्जी पे पहले क्या पूछ सकता है आपसे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखेंगे यहां पर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखेंगे इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, फिर देखेंगे बनाने के लिए नहीं आएगा एग्जाम में, पर पता होने चाहिए आपको कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे इस कंपाउंड के, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख लेंगे, फिर हम देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कि कौन सा ज्यादा स्टेबिलिटी कंटेन करेगा, स्टेबिलिटी ऑफ आर एस, इनके इनके स्टेबिलिटी रेजोनेंस स्ट्रक्चर के, फिर हम देखने वाले हैं रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है, रेजोनेंस एनर्जी चेक करेंगे इन कंपाउंडों की, किसकी ज्यादा होगी किसकी कम होगी, ठीक है, फिर आगे देखेंगे रेजोनेंस एनर्जी पर बेंजीन, रेजोनेंस एनर्जी पर बेंजीन, पर बेंजीन, तो ये चार डिस्कशन हम आज करेंगे इस वीडियो लेक्चर में, हम क्या देखेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बने, कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, फिर देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और इसी के बेस्ड आई डिजाइन नेट और सी एस आर नेट और
गेट, इन सभी में एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है भाइयों, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस ऐसे देखेंगे, रेजोनेंस एनर्जी कितनी होगी, रेजोनेंस एनर्जी पर बेंजीन कितनी होगी। ठीक है भाइयों, तो इन चारों को हम डिस्कस करने वाले, एक एक करके इन सभी को डिस्कस करते हैं। तो पहले आ जाओ कि पहले बताओ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने होगा। आपको ये पता चल गया ये फ्यूज्ड है और ये वाला फ्यूज नहीं है, और ये तीनों के तीनों फ्यूज्ड हैं, तीनों के तीनों फ्यूज्ड हैं, ये तीनों के तीनों फ्यूज्ड हैं, तो आप बताओ इनके अंदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने होंगे। तो भाइयों मेरी बात याद रखना, एक रिंग है तो दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, एक रिंग है तो इसके दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, ये दो रिंग है इसके तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, ये तीन रिंग है इसके चार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, और ये जो तीन रिंग कंटेन कर रहा है इसके पांच रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं। अब ये बात पूछना है एंथ्रासीन और पेनेंथ्रीन की जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तीनों में तीन रिंग है, एक रिंग एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना चाहिए था, चार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, पर पेनेंथ्रीन में पांच रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। उस चीज को याद रखना है, हमें लर्न रखना है कि बेंजीन, नेप्थिलीन, एंथ्रासीन और पेनेंथ्रीन में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पूछ ले तो इतना याद रखना, बेंजीन में दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, वो नेप्थिलीन में तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, और एंथ्रासीन में चार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, और फिनेंथ्रीन में पांच रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बने उस चीज को भी देख लेते हैं। अभी हमें ये तो पता चल गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने हैं नेप्थिलीन, फिनेंथ्रीन और बेंजीन में, तो ये हमने देख तो लिया कितने कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं। ये देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए कैसे जाते हैं, देख लो, आपको मैं थोड़े बहुत आइडिया दे दूंगा कि आप इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लो, क्योंकि आपको लगता है कि थोड़ा बहुत पता भी होना चाहिए, तो डबल बॉन्ड को रोटेट करो तो डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे, तो इसके पास सिर्फ दो ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, स्ट्रक्चर फर्स्ट और स्ट्रक्चर सेकेंड, स्ट्रक्चर फर्स्ट एंड स्ट्रक्चर सेकेंड। और ठीक है, इस पर आ जाओ, इस पर आ जाओ, तो ये जो पहली रिंग को पकड़ो और पहली रिंग के डबल बॉन्ड को रोटेट कर दो, पहली रिंग के डबल बॉन्ड को रोटेट करेंगे, दो रिंग है तो कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, तीन आरएस बनेंगे, तीन बनेंगे, तो छोटे छोटे बना लो कि बोर्ड पे आ जाए। ठीक है भैया, डबल बॉन्ड को इधर घुमाया, डबल बॉन्ड को इधर घुमाया, यहां आएगा डबल बॉन्ड, यहां आएगा और यहां आएगा, और ये वाले जो पाई इलेक्ट्रॉन बिल्कुल ऐसे कैसे रहेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, एक बार डबल बॉन्ड को इधर की साइड घुमाया, एक बार डबल बॉन्ड को उधर की साइड घुमा दो, दूसरी वाली रिंग में, दूसरी वाली रिंग में घुमाएंगे तो ये डबल बॉन्ड यही थे, देखो दूसरी वाली रिंग में जब घुमाएंगे तो ये डबल बॉन्ड उधर चला जाएगा, उधर चला जाएगा, और उधर जाएगा तो कुछ डबल बॉन्ड एक इधर जाएगा, एक इधर आ जाएगा, और ये डबल बॉन्ड यहाँ प्रेजेंट है ही है, तो तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए, एक दो तीन। तो याद रखना कैसे बना रहा हूं, ऐसे ही घुमाने हैं। ठीक है, ऐसे इसको पकड़ो, इस डबल बॉन्ड को एक बार इस रिंग में घुमा दो, इस रिंग में घुमाएंगे, छोटे छोटे बना लेते हैं कि आपको दिखने लग जाए। ठीक है, इस डबल बॉन्ड को एक बार इस रिंग में घुमा दो, इस वाली पहली रिंग में घुमा देंगे तो डबल बॉन्ड यहां, डबल बॉन्ड यहां, डबल बॉन्ड यहां, ऐसा हो जाएगा, और ये वाले डबल बॉन्ड ऐसे के ऐसे रह जाएंगे। ठीक है, और एक बार इस डबल बॉन्ड को उस वाली रिंग में घुमा दो, रिंग में उस वाली रिंग में घुमाएंगे तो कुछ स्ट्रक्चर छोटे छोटे बना रहा हूँ, आपको क्लैरिटी से दिखे भी ना, हो सकता है तो देख लेना, अब थोड़ा कोऑपरेट कर लेना। ठीक है, डबल बॉन्ड उधर घूम गए तो डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, और ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन बीच में आ जाएगा, और ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, और ये वाले ऐसे कैसे रहेंगे। ठीक है, अब आ जाओ, और एक जब यहाँ से डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गए, यहाँ डबल बॉन्ड आ गए, इस वाले डबल बॉन्ड को उधर इधर की साइड घुमा दो, घुमा दो, और घुमाते ही इसके चार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपके पास खड़े हो जाएंगे। ठीक है भाइयों, और ऐसे करके उसके भी बनाने हैं, ऐसे ही उसके बनाने हैं, घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो देखो कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने, इसके चार बने, एक दो तीन चार, और ऐसे ही इसके पांच रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, बना लेना भाइयों आप, मैं एक बना के दिखा दे रहा हूं आपको। ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड को आगे लेकर आओ, इस वाली रिंग में घुमा दो, तो पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं कि आपको कंफ्यूजन ना रहे। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको याद होने चाहिए, इसमें पांच होते हैं, ठीक है, इसमें चार होते हैं, और इसमें तीन होते हैं, उसमें दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं। आपको बनाना भी बता दिया कैसे बनाना है, तो घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, ये डबल बॉन्ड यहाँ, ये डबल बॉन्ड यहाँ, और यहाँ पे डबल बॉन्ड थे ही प्रेजेंट,
तो ये ऐसे करते 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 पांच रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएंगे। बोर्ड पे जगह नहीं है, मैंने इसलिए नहीं बनाया, आप बना लेना, कोई हार्ड बात नहीं है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख लिए, बेंजीन के दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताने में अब हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, एग्जाम में पूछ ले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बेंजीन, नेप्थिलीन, फिनेथिलीन और एंथ्रासीन के कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। ज़्यादातर इन्हीं के क्वेश्चन आ जाते हैं, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, इसी के क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए मैंने इन्हीं चारों को पकड़ा है। ठीक है, तो अभी इस चीज़ पर ध्यान देते हैं। अब बात आती है, हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो पता कर लिए कि बेंजीन में दो होते हैं, नेप्थिलीन में तीन होते हैं, एंथ्रासीन में चार होते हैं और फिनेथिलीन में पाँच होते हैं, इस चीज़ को याद भी रख लेंगे। फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन सा स्टेबल होगा उस चीज़ पर चलते हैं। तो भाइयों एक चीज याद रखना, जिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ऑर्डर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी पे चलेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्डर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे चलेंगे, जिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ बेंजीन रिंग ज्यादा पाएंगे, मतलब जिसमें ज्यादा बेंजीन रिंग वाले स्ट्रक्चर ज्यादा दिखेंगे, वो स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा। किसी में एक दिखेगा तो कम होगा, किसी में दो दिखेंगे वो ज्यादा स्टेबल होगा उसके कंपैरिजन में। तो मतलब बेंजीन रिंग, मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विच हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ बेंजीन रिंग, या बेंजीन रिंग को हम बोल सकते हैं बेंजीनॉइड रिंग, विच हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ बेंजीनॉइड रिंग विच आर मोर स्टेबल, those which are more stable, ठीक है, तो उसको याद रखना। तो उसकी मैक्सिमम स्टेबिलिटी होगी, उस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की मैक्सिमम स्टेबिलिटी होगी जिसके अंदर बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर ज्यादा होंगे। तो भाइयों देखो, ये नॉन फ्यूज्ड है, फ्यूज्ड साइक्लिक है नहीं, तो इसमें देखो ये फर्स्ट और सेकंड दोनों ही बेंजीन रिंग है और दोनों ही स्ट्रक्चर एक दूसरे के इक्वल है, फर्स्ट इज इक्वल्स टू सेकंड, तो इसमें तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का जो कोई मतलब स्टेबिलिटी दोनों की बराबर है, तो इसमें हम नहीं देख सकते। आप जो इसमें देखते हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा फर्स्ट सेकेंड और थर्ड में, तो चेक करो, देखो ये जो रिंग है, ये वाला रिंग है, इसमें पूरे में बेंजीन की तरह प्रॉपर्टी है और ये डबल बॉन्ड इससे भी फ्यूज है, तो ये भी बेंजीन ही है, ये भी बेंजीन है, यहाँ पे भी पाई इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, इसको इधर घुमा दो तो ऑब्वियस ही बात है बेंजीन ही है, मतलब यहाँ पे टू बेंजीनोइड रिंग। ठीक है, और यहाँ पे देखो सिर्फ एक बेंजीनोइड रिंग है, यहाँ पे देखो ये डबल बॉन्ड इधर आ गया, यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो ये तो रिंग बेंजीनोइड नहीं, सिर्फ ये वाली रिंग बेंजीनोइड है, ये वाली, ये है बेंजीनोइड। तो यहाँ पे कितनी रिंग है बेंजीनोइड, एक बेंजीनोइड रिंग है, और यहाँ पे भी देख सकते हैं इधर डबल बॉन्ड है, तो ये वाली रिंग बेंजीनोइड बन गई, यहाँ पे भी एक बेंजीनोइड रिंग है, यहाँ पे दो, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, इनमें फर्स्ट सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा सेकंड से, और सेकंड और थर्ड की स्टेबिलिटी बराबर हो जाएगी नहीं हो जाएगी, सेकंड और थर्ड की स्टेबिलिटी बराबर हो जाएगी नहीं हो जाएगी भाइयों, क्योंकि सेकंड और थर्ड में एक एक बेंजीनोइड रिंग है, और जितने बेंजीनोइड रिंग उतनी ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो सबसे ज्यादा इसमें बेंजीनोइड रिंग, तो सबसे ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसकी हो जाएगी, फिर देन इसकी और इन दोनों की बराबर, इस चीज को नोट कर लो, फिर हम थर्ड वाले पे चलते हैं। ठीक है, आ जाओ थर्ड पे देखते हैं, किसमें, एंथ्रासीन में इन चारों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कौन सबसे ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो चेक करो बेंजीनोइड रिंग, तो देखो यहां पर एक बेंजीनोइड रिंग और दो बेंजीनोइड, दोनों ही बेंजीनोइड रिंग, ये डबल बॉन्ड यहां पे भी शेयर है, तो ये भी बेंजीन, ये बेंजीन, पर यहां पे डबल बॉन्ड है नहीं, तो ये बेंजीन है ही नहीं, तो यहां पे टू बेंजीनोइड रिंग। ठीक है, तो यहां पे दो बेंजीनोइड रिंग है, कितनी है दो, तो यहां पे चेक करो, यहां पे सिर्फ एक ही बेंजीनोइड रिंग है, एक बेंजीनोइड रिंग, यहाँ पे डबल बॉन्ड है नहीं, तो ये दोनों बेंजीनोइड रिंग है ही नहीं, और यहाँ पे चेक करो यहाँ पे कितने बेंजीनोइड रिंग है, एक बेंजीनोइड रिंग ये वाली है, और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे भी शेयरिंग है, यहाँ पे भी है, तो मतलब यहाँ पे भी दो बेंजीनोइड रिंग है, कितनी है दो है, और इस वाले स्ट्रक्चर में देखो सिर्फ यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है इसमें, और यहाँ पे प्रेजेंट नहीं, यहाँ पे प्रेजेंट नहीं, इसलिए यहाँ पे एक ही बेंजीनोइड रिंग है, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा। तो भाई मैं यहाँ लिख देता हूँ स्टेबिलिटी ऑर्डर, आपको दिख भी रहा होगा, तो देखो यहां पे स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, फर्स्ट और थर्ड में दो दो बेंजीनोइड रिंग है, तो फर्स्ट इक्वल्स टू थर्ड हो जाएगा, फर्स्ट थर्ड के इक्वल होगा, और सेकंड से फर्स्ट और थर्ड दोनों ही इक्वल है और दोनों ही ज्यादा स्टेबल होंगे, देन सेकंड और फोर्थ दोनों बराबर होंगे, और ये सबसे दोनों इक्वल हो, ज्यादा ग्रेटर होंगे और ये लेस होंगे। ठीक है भाइयों, तो ये हमारी स्टेबिलिटी ऑर्डर आ गई, इसमें चेक करो कितने, ऐसी करके जैसे मैं फर्स्ट और सेकंड में कंपैरिजन कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे दो ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही बन चुके हैं, आप पांच बनाना तो उसमें कंपैरिजन कर लेना, बेंजीनोइड रिंग देख लेना, तो टेंशन मत लो। फर्स्ट और सेकंड में कौन देगा सबसे ज्यादा बेंजीनोइड रिंग में, तो देखो भाइयों
तो देखो यहां पे देखो कितनी बेंजोनॉइड रिंग है, सिर्फ यहां पे एक बेंजोनॉइड रिंग प्रेजेंट है, एक बेंजीनॉइड रिंग है, बेंजीनॉइड रिंग है। और यहां पे देखो एक एक दो और तीन, एक और ये डबल बॉन्ड यहां पे भी शेयरिंग है, डबल बॉन्ड यहां पे भी शेयरिंग है, तो ये तीनों की तीनों क्या है, बेंजीनॉइड रिंग है, तीन बेंजीनॉइड रिंग है, बेंजीनॉइड रिंग है, तीनों की तीनों बेंजीनॉइड रिंग है या नहीं है, तीनों के तीनों बेंजीनॉइड रिंग है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगी, सेकंड सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा देन फर्स्ट से। तो भाई ये हो गया आपकी स्टेबिलिटी ऑर्डर, ये हो गया आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर, ठीक है भाइयों, तो इस चीज को याद रखना, ठीक है। अब आपको क्लियर हो गया कि आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर भी पता चल गया, ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने में सीख गए। तो भैया आपसे बोले, अब क्वेश्चन आ सकता है कि एंथ्रासीन और फिनेंथ्रीन और फर्क क्या है, एंथ्रासीन और फिनेंथ्रीन कैसे स्ट्रक्चर है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, दोनों दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है या आइसोमर है, दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है या आइसोमर है, मैं नोट कर लो, मैं मिटा रहे जा रहा हूँ, ठीक है। तो अभी मैं आपको क्लियर करता हूँ, ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है या फिर आइसोमर है, उस चीज को बताने के लिए अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। तो देखो किस चीज की बात चल रही है, एंथ्रासीन और फिनेंथ्रीन में, एंथ्रासीन और फिनेंथ्रीन में, एंथ्रासीन ये होता है और फिनेंथ्रीन, फिनेंथ्रीन और फिनेंथ्रीन, ठीक है, ठीक है, ये एंथ्रासीन है अपना, ये एंथ्रासीन है और ये क्या है भाई, वो फिनेंथ्रीन है, फिनेंथ्रीन है। तो बताओ स्ट्रक्चर फर्स्ट और स्ट्रक्चर सेकंड क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है या आइसोमर है। तो भाई वो देख सकते हैं एंथ्रासीन में ये जो रिंग है ये अपनी पोजीशन चेंज करके यहां आ गई, ये रिंग अपनी पोजीशन चेंज करके यहां आ गई। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब मैं आपको पढ़ा रहा था कि रेजोनेंस, जो स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था कि जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने सिखा रहा था सबसे पहले वीडियो में, तो आपको मैंने बताया था कि रेजोनेंस में कभी भी एटम की पोजीशन चेंज नहीं होती। और यहां पर देखो एटम की पोजीशन चेंज हो रही है, नहीं हो रही, एटम की पोजीशन चेंज हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है ये कौन है, फर्स्ट एंड सेकेंड आर आइसोमर, फर्स्ट एंड सेकेंड आर आइसोमर, तो ठीक है, क्लियर हो गया। अब बात आती है स्टेबल कौन है सबसे ज्यादा, तो आपको मैंने अभी बताया था इसमें सिर्फ टू, मैक्सिमम टू बेंजीनॉइड रिंग ज्यादा होती थी, और इस फिनेंथ्रीन में सबसे मैक्सिमम आ रही थी थ्री बेंजीनॉइड रिंग, तो ऑब्वियस बात है जिसमें जितने ज्यादा बेंजीनॉइड रिंग उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, तो सेकेंड में ऑर्डर हो जाएगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर हो जाएगा सेकेंड देन फर्स्ट, फिनेंथ्रीन ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होगा एज कंपेयर टू एंथ्रासीन। तो अब हमारा ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि फ्यूज साइक्लिक रिंग में कैसे हमें जजमेंट करनी है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। अब हम अपने न्यू कंसेप्ट पे चल रहे हैं जिसका नाम है रेजोनेंस एनर्जी, नए इसमें एडिशनल कंसेप्ट है जिसको हमने पढ़ने जा रहे हैं, रेजोनेंस एनर्जी, रेजोनेंस एनर्जी। तो भाई जो ये रेजोनेंस एनर्जी है, जो भाई ये रेजोनेंस एनर्जी है, ये एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है और थर्मोडायनेमिकल क्वांटिटी है, एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी बोल सकते हैं इनको हम, और या फिर थर्मोडायनेमिकल क्वांटिटी भी बोल सकते हैं, थर्मोडायनेमिकल क्वांटिटी भी बोल सकते हैं। तो भाई ये एक्सपेरिमेंटल से कैलकुलेटेड वैल्यू है जिनको हमें ध्यान में रखनी है, कुछ कुछ वैल्यू मैं आपको बताऊंगा और कुछ कुछ मैं आपको बता दूंगा रेजोनेंस एनर्जी कैसे निकलेगी। तो एक चीज याद रख लो, रेजोनेंस एनर्जी निकालने का सबसे फंडा ये है, रेजोनेंस एनर्जी जो होती है, रेजोनेंस एनर्जी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टेबल होगा उतनी ज्यादा क्या हो जाएगी, रेजोनेंस एनर्जी बढ़ जाएगी या घट जाएगी, ऑब्वियस ही बात है बढ़ जाएगी। मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मोर स्टेबल आर एस, उतना ही स्टेबल क्या हो जाएगा, रेजोनेंस एनर्जी, मोर रेजोनेंस एनर्जी, मोर रेजोनेंस आर ई, और लेस स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा तो लेस रेजोनेंस एनर्जी होगी, नहीं होगी, लेस रेजोनेंस एनर्जी होगी या नहीं होगी, तो इस चीज को याद रखना। अब क्वेश्चन आता है, हमने अभी पढ़ा था बेंजीन, बेंजीन नेप्थलीन, बेंजीन बेंजीन
नेप्थिलीन, एंथ्रासीन और फिनेंथ्रीन कि जो रेजोनेंस एनर्जी है किसकी सबसे ज्यादा होगी, तो ऑब्वियस ही बात है इसमें दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और इसमें कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे थे मैक्सिमम, इसमें तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थे, इसमें चार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थे और इसमें पांच रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थे या नहीं थे, और इसमें कितने बेंजोनोइड रिंग थी, ये दोनों लगभग सेम थी, मतलब एक एक बेंजोनोइड रिंग थी, यहाँ पे एक बेंजोनोइड रिंग थी, यहाँ पे मैक्सिमम दो बेंजोनोइड रिंग दिख रही थी और यहाँ पे भी दो बेंजोनोइड रिंग दिख रही थी दो स्ट्रक्चर के अंदर, और यहाँ पे कितनी बेंजोनोइड रिंग, तीन बेंजोनेट रिंग दिख रही थी। तो अब ये कहते जितना ज़्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, जितने ज़्यादा बेंजोनेट रिंग होगा उतने ज़्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, तो ऑब्वियस ही बात है ए बी और सी और डी में ऑर्डर क्या हो जाएगा रेजोनेंस एनर्जी का, डी देन सी देन बी देन ए, यस या नो। अब इसमें भी टू थे, इसमें टू थे, इसमें एक ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे टू थे, वहां पे दो दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे टू थे, इसी वजह से इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। और हमने रेजोनेंस एनर्जी के कंसेप्ट से चले, यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंटली इसकी जो रेजोनेंस एनर्जी पाई गई 36 किलो जूल पर, ठीक है, किलो जूल, और यहाँ पे जो रेजोनेंस पाई गई रेजोनेंस एनर्जी 40 किलो जूल के समथिंग पाई गई, और यहाँ पे 56 किलो जूल के समथिंग पाई गई, और यहाँ पे 60 किलो जूल के ऊपर समथिंग पाई गई। तो रेजोनेंस एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी है, इसकी, फिनेंथ्रीन की, देन एंथ्रासीन की, देन नेप्थिलीन की और देन बेंजीन की। तो एक्सपेरिमेंटली भी ये यही ऑर्डर रहा, और जो हमने अपने कंसेप्ट के हिसाब से हमने रेजोनेंस एनर्जी भी निकालना सीख लिया, जितने ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतना ही हायर रेजोनेंस एनर्जी हो जाएगा, ठीक है भाइयों। अब रेजोनेंस एनर्जी आदि आ गई, तो अब आ जाती है बात रेजोनेंस एनर्जी पर बेंजीन की, रेजोनेंस एनर्जी पर बेंजीन की, ठीक है भाइयों, रेजोनेंस एनर्जी पर बेंजीन रिंग, रेजोनेंस एनर्जी पर बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग ये क्या होती है, जो हमें रेजोनेंस एनर्जी गिवन है, जो हमें रेजोनेंस एनर्जी गिवन है उसको उतने ही, जैसे बेंजीन में 36 किलो जूल रेजोनेंस एनर्जी थी और बेंजीन के कितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर थे, दो, तो दो से डिवाइड कर दो, जितनी रेजोनेंस एनर्जी दे रखी है उस कंपाउंड की, जितने रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है उसको आपसी में डिवाइड कर दो, जो हमारा आंसर आएगा उससे हमें पता चल जाएगा कि रेजोनेंस एनर्जी पर बेंजीन का ऑर्डर क्या होगा। तो ठीक है, तो इसका याद रखना रेजोनेंस एनर्जी पर बेंजीन, रेजोनेंस एनर्जी पर बेंजीन वो क्या होगा, रेजोनेंस एनर्जी जो हमें मिलेगी और उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ रिंग से, नंबर ऑफ रिंग से। तो इस चीज को याद रखना, अब हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो देखो भाइयों, हमने अभी चार मॉलिक्यूल देखे थे ए बी सी और डी में, ए की जो रेजोनेंस एनर्जी थी 36 किलो जूल के समथिंग थी, इसकी 40 किलो जूल के समथिंग थी, इसकी 56 किलो जूल के समथिंग थी और इसकी 60 किलो जूल के समथिंग थी। तो इसमें कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे थे बेंजीन में, दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसके कितने बन रहे, तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसके चार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और इसके पांच रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो भाई अभी मैंने क्या बोला, रेजोनेंस एनर्जी को नंबर ऑफ रिंग से डिवाइड कर दो, इसको इसमें दो बन रहे थे दो रिंग से डिवाइड कर दिया, इसमें तीन बन रहे थे तीन रिंग से डिवाइड कर दो, इसमें चार बन रहे तो चार से, इसमें पांच बन रहे तो पांच से। तो अब ऐसी बात है ये घटेगा, दो एक कम दो, दो आठ सोलह, यहाँ पर 18 किलो जूल समथिंग बन रहा है, 18 किलो जूल समथिंग मिल रहा है, नहीं मिल रहा भाई, मिल रहा है। और ये घटेगा 3 × 3 कुछ ऐसे 90 पॉइंट में समथिंग, मतलब यहाँ पे 18 ये कम हो जाएगी और ये कम हो जाएगी, ये कम हो जाएगी। तो यहाँ पर रेजोनेंस एनर्जी पर बेंजीन, बेंजीन की सबसे ज़्यादा है, इसकी कम है, देन इसकी कम है, उसकी सबसे कम है। तो रेजोनेंस एनर्जी पर बेंजीन का जो ऑर्डर होगा ए देन बी देन सी देन डी, डिवाइड करके देख लेना आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है भाइयों। तो इस चीज़ से घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है, इस चीज़ से घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आप ये कर लोगे मेरे को यकीन है। अब हम कुछ एक्सपेरिमेंटल डाटास की वजह से चलते हैं कि रेजोनेंस एनर्जी का तो कुछ कुछ जगह पे हमें एक्सेप्शन भी मिल सकता है, उस चीज को ध्यान देने जा रहे हैं, ठीक है, उस पे रिकॉर्डिंग क्वेश्चन भी आ सकते हैं, उन चीज को हम देख भी लेते हैं, ठीक है भैया। तो आज रेजोनेंस एनर्जी पर बेंजीन पे आना, ठीक है। तो देखो एक कंपाउंड हमारे पास ये बेंजीन है, ठीक है, और एक हमारे पास है थायोफीन, क्या है भैया, थायोफीन, और एक हमारे पास है पायरोल, क्या है भाइयों, पायरोल, और एक हमारे पास है फ्यूरान, क्या है भाइयों, फ्यूरान, ठीक है।
तो ये क्या है हमारा बेंजीन है, ये हमारा थायोफीन है, थायोफीन है, और ये हमारा पायरोल है, और ये हमारा फ्यूरान है। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रेजोनेंस एनर्जी क्या होगी यहां पर, ऑर्डर ऑफ रेजोनेंस एनर्जी बताओ क्या होगी। तो भाइयों रेजोनेंस एनर्जी को बताने के लिए तो हमें यह पता होना चाहिए कि कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो भाइयों ऑर्डर ऑफ रेजोनेंस एनर्जी हमें पता चला ए की सबसे ज्यादा है, देन बी की, देन सी की, देन डी की। तो ऑर्डर ये आ गया ए, देन बी, देन सी, देन डी। ठीक है भाइयों, एक्सपेरिमेंटली इसका ऑर्डर ये निकला, और कुछ बुक में इसका जो लॉजिक दिया गया है उस चीज को मैं बता देता हूं। तो देखो भाई बेंजीन में कितने और पी ऑर्बिटल होंगे, बेंजीन में कितने पी ऑर्बिटल होंगे, 6 पी ऑर्बिटल है या नहीं है, तो बेंजीन में कितने हैं 6 पी ऑर्बिटल है, इसमें कितने पी ऑर्बिटल होंगे एक, ये और देखो सल्फर के पास एक पी ऑर्बिटल होता है, मतलब यहाँ पे कितने 5 पी ऑर्बिटल होते हैं, आपको पिछले लेक्चर में सब कुछ क्लियर कर रखा है। यहाँ पे भी 5 पी ऑर्बिटल होंगे या नहीं होंगे, यहाँ पे भी 5 पी ऑर्बिटल है, नाइट्रोजन के पास भी एक, यहाँ पे भी 5 पी ऑर्बिटल है, और इस पे भी 5 पी ऑर्बिटल है भैया। ठीक है, और फिर बोलोगे सबसे ज्यादा पी ऑर्बिटल इसमें, तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये है, तो इसी वजह से ये सबसे ज्यादा स्टेबल है ऑर्डर में। ठीक है, अब इन तीनों में तो पी ऑर्बिटल सेम है, तो देख सकते हैं ये जो सल्फर है ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, और थर्ड पीरियड के एलिमेंट में डी ऑर्बिटल होती हैं, क्या होती हैं डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होती हैं, और डी ऑर्बिटल ज्यादा प्रेजेंट होती है तो सबसे ज्यादा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर स्टेबल हो जाता है। और ठीक है, क्लियर हुई बात। और इसके पास क्या है, इन दोनों में देखो नाइट्रोजन है ये और ये ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, जो लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो नाइट्रोजन लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, नहीं है, लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, और ऑक्सीजन क्या होता है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ऑक्सीजन सबसे ज्यादा अनस्टेबल हो गया। तो रेजोनेंस एनर्जी सबसे ज्यादा किस पर डिपेंड करेगी, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस सबसे ज्यादा स्टेबल ये, देन ये, देन ये, देन ये, तो ऑर्डर भी रेजोनेंस एनर्जी का ये हो गया, ए देन बी देन सी देन डी। तो क्लियर हुई बात, क्लियर हुई बात। अब आ जाते हैं अपने अपने स्टेबिलिटी ऑर्डर पे। एक चीज ये बताओ इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगी, इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगी बताओ। ठीक है, जल्दी बताओ इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा। एक ये है आपके पास और एक हमारे पास ये है, ठीक है भाई बताओ इन दोनों में से सबसे ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिक स्ट्रक्चर किसका होगा, इन दोनों में से सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ। तो देख सकते हैं यहाँ पे एक बेंजोनेट रिंग है, यहाँ पे कोई बेंजोनेट रिंग है, नो बेंजोनेट रिंग, तो ऑर्डर आप बता सकते हो ए का सबसे ज्यादा होगा देन बी का। क्लियर हो गया, तो ए एंड बी दोनों आइसोमर हैं, दोनों आइसोमर हैं, तो घबराने वाली बात नहीं है। तो भाइयों अब एक चीज और चलते हैं, कंसेप्ट ऑफ एरोमेटिसिटी, कि एरोमेटिसिटी कैसे केमिकल रिएक्शन पे वेरी करता है उस चीज को भी देख लेते हैं। तो मैंने एक ले लिया फिनेंथ्रीन, एक ले लिया एंथ्रासीन और एक ले लिया फिनेंथ्रीन, अगर उन पे कुछ केमिकल रिएक्शन करवाया जाए तो कौन से बॉन्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, कौन से बॉन्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं उसके, कौन से बॉन्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं उस चीज पे आ जाते हैं। तो देखो भाई ये क्या लिया मैंने, एंथ्रासीन लिए, एंथ्रासीन, और अगर इसके अंदर हम हेलोजिनेशन करवाते हैं, केमिकल रिएक्शन की बात चल रही है कि एरोमेटिसिटी कैसे केमिकल रिएक्शन पे वर्क करता है, उस चीज पे कैसे हमारे लिए हेल्पफुल है वो चीज बता रहा हूं। तो देखो यहां जो जैसे मैंने हेलोजिनेशन डाला, ठीक है, हेलोजिनेशन करवाया, तो यहां पे जो ये वाले जो पाई इलेक्ट्रॉन थे ये ब्रेक होंगे और हेलोजिनेशन हो जाएगा, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन ब्रेक होंगे और हेलोजिनेशन हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो एक ये है, एक ये डबल बॉन्ड टू ब्रेक हो चुके हैं, और यहां पे एक ब्रोमिन लग जाएगा और यहां पे एक ब्रोमिन लग जाएगा, तो ये हमारा केमिकल रिएक्शन में ऐसे वेरी कर रहा है। और एक हमारा फिनेंथ्रीन है, वो कैसे केमिकल रिएक्शन करता है उस चीज पे आ जाते हैं।
कुछ ऐसा होता है फिनेंथ्रीन अपना। तो बताओ अगर इसके अंदर मैं ओजोनोलिसिस कर देता हूं, O3 ओजोनोलिसिस, तो ओजोनोलिसिस कभी भी होता है तो एल्डिहाइड फॉर्म होते हैं, दो एल्डिहाइड फॉर्म होगा, तो यहां पे ये वाले जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं ये पार्टिसिपेट करते हैं, ये वाले जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं ये पार्टिसिपेट करते हैं इसमें। ठीक है भाइयों, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं ये पार्टिसिपेट करते हैं और ये पार्टिसिपेट, ये पाई इलेक्ट्रॉन ब्रेक होगा, पाई इलेक्ट्रॉन ब्रेक होगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एच और यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एच, तो यहाँ पे दो जगह एल्डिहाइड फॉर्म हो जाएगा और फिनेंथ्रीन में ये वाले पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट करते हैं, इस चीज़ को मैंने शो कर दिया। ठीक है, अब आ जाते हैं अब एक छोटा सा कंसेप्ट और डील कर लेते हैं जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड आ सकता है, कंसेप्ट ऑफ एनिहिलेशन। क्या है भाई वो कंसेप्ट ऑफ एनिहिलेशन? एनिहिलेशन क्या होता है? एनिहिलेशन होता है फ्यूज्ड बना देना, किसी रिंग को फ्यूज्ड बना देना। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ एनिहिलेशन, एनिहिलेशन का मतलब फ्यूज्ड बनाना, एनिहिलेशन। तो पहले ये बताओ कि स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ, इन सभी में से कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा? आपको बताया है पिछले लेक्चर में, आपको यही क्लियर किया है, तो बताओ इन दोनों में से, इन सभी में से कौन सबसे ज्यादा स्टेबल कंपाउंड होगा? एक ये है और एक ये है, स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो ए बी और सी में कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा? तो आप क्या करोगे, बेंजोनॉइड रिंग को चेक करोगे, तो आप कहोगे यहाँ पे कोई बेंजोनॉइड रिंग नहीं है, यहाँ पे एक बेंजोनॉइड रिंग है और यहाँ पे दो दो बेंजोनॉइड रिंग है, तो दो दो बेंजोनॉइड रिंग होने की वजह से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हुआ? सी हुआ। सी हुआ ही नहीं हुआ, हमारी वजह से हमने जो सोचा उसके अकॉर्डिंग सी हुआ, पर भाइयों यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ, सबसे ज्यादा स्टेबल ये पाया गया, ये सबसे ज्यादा स्टेबल जो कार्बन है ना, ये सबसे ज्यादा स्टेबल पाया गया। क्यों पाया गया, उसके पीछे रीजन है, ये जो कार्बन है ना का नेगेटिव चार्ज है वो एरोमेटिसिटी में पार्टिसिपेट कर रहा था, ये जो नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज्ड हो रहा है वो एरोमेटिसिटी में पार्ट कर रहा था। ठीक है, क्लियर होगा? तो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है डीलोकलाइज में पार्ट कर रहा था, इस रिंग की एरोमेटिसिटी में कंट्रीब्यूट कर रहा था, तभी इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है इसकी ज्यादा। और यहाँ पे देखो नेगेटिव चार्ज, माना हमने नेगेटिव चार्ज यहाँ पे इसने डीलोकलाइजेशन पार्ट कर रहा है, पर यहाँ पे इस पाई बॉन्ड की शेयरिंग हो जाने की वजह से तो ये अपने आप को यहाँ पर फ्री समझता था, जैसे यहाँ पे एक रिंग आ गया तो ये इसकी कंट्रीब्यूशन इस रिंग में भी बढ़ गई, इस रिंग में बढ़ गई, तो इस जो स्टेबिलिटी है यहाँ बढ़ा रहा था, जो एरोमेटिसिटी का कंसेप्ट यहाँ पे इतना अच्छा तरीके ये अपने आप को डीलोकलाइज करके एरोमेटिसिटी मेंटेन कर रहा था, ये यहाँ पे मेंटेन नहीं हो पाई, जिसकी वजह से यहाँ पे जो एरोमेटिसिटी ज्यादा थी इसके कंपेरिजन में यहाँ कम होगी। और यहाँ देखो यहाँ पर बेचारा नेगेटिव चार्ज दोनों जगह से गिरा पड़ा है, दोनों जगह साइकिल रिंग है, तो इसका कंट्रीब्यूशन और ज्यादा बढ़ गया और इसकी स्टेबिलिटी कम होगी, तो स्टेबल सबसे ज्यादा कौन होगा? ए होगा। तो अकॉर्डिंग तो ए यहां पर सबसे ज्यादा स्टेबल हुआ। ठीक है भाई, इस चीज का याद रखना, इस चीज को याद रखना। ठीक है, नोट कर लो।